वेलकम टू इलेक्ट्रॉन फिजिक्स you? हाउ आर यू आई होप यू आर कीपिंग फिट एंड फाइन सो is again अगेन continuation ऑफ द फ्रिक्शन Now फ्रिक्शन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी बातें पढ़ी सो about थिंग्स अबाउट दैट इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स सामने वाले को देख के अपना रंग बदलती है वो दैट्स typical ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स फिर एक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होती है जो कि हमें बताती है कि इस फ्रिक्शन की कितनी हद है कितनी ताकत है इट right? so, एक क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन है हमारे सामने ऑन द स्क्रीन ओपनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन देखो सिंपल सा है ये कह रहा है वाई ड बॉल रोल डाउन द हिल बट अ बॉक्स टेज वेयर इट इज कह रहा है जो बॉक्स है वो तो नीचे नहीं आ रहा है लेकिन जो ये बॉल है वो रोल करके नीचे आ रही है तो हमने कहा इस वजह से क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में इस बारे में ज्ञान प्राप्त किया था कि जो ड्राई फ्रिक्शन होती है दो किस्म की होती है वन इज वॉट सर इज अ अ अ स्लाइडिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन 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 एंड एंड द इज इज रोलिंग रोलिंग सपोज टू बी लेसर देन सो ये बात हमने लास्ट लेक्चर में करी थी दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज सपोज टू बी लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड बिकॉज ऑफ दिस आइडिया हमने बोला था कि हम जो गाड़ियां हैं उसके नीचे टायर्स बनाते हैं और जिससे क्या होता है फ्रिक्शन जो होती है वो रोलिंग में कन्वर्ट हो जाती है बॉल बेलिंग यूज करते हैं उससे क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन रोलिंग में कन्वर्ट हो जाती है और उस वजह से मोशन थोड़ा आसान हो जाता है एंड सो सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स वी डिड इन द लास्ट लेक्चर काफी सारी बातें हमने करी थी हमने फ्रिक्शन फोर्स को पहचाना था कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है इट्स अ अंटेक्ट फोर्स ये क्या होती है कॉन्टैक्ट फोर्स होती है और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है और इसके अंदर हमने कुछ लॉस पढ़े थे क्या लॉस थे द लॉस ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो फ्रिक्शन होती है टैंडल फोर्स होती है अलोंग द सर्फेस लगती है और रिलेटिव मोशन के विरुद्ध लगती है जैसे में आपने देखा कि जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ स्लाइड होने की कोशिश कर रहा है इसका मतलब उसका जो रिलेटिव मोशन है वो कहां पर है ब्लॉक के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड है सो द फ्रिक्शन नेचुरली एक्ट्स वेयर

और फिर हम उसको स्टडी करते हैं और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हमने ये सोचा ये सोचा कि एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है उसके ऊपर वो फॉर्मूला नहीं लगता जो कि बाकी काइंड ऑफ फ्रिक्शन पे लगता है हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन पे लगता है और कैनेटिव फ्रिक्शन पे लगता है व्हाट इज दैट वो दैट इज़ एफ इक्वल टू टू एन

फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा और डिस्कस करना है हाँ ये पढ़ा हुआ है हमने दैट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट ये पढ़ा हुआ है हमने और थोड़ा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे राइट सो अब प्राइम आर्टिकल टू बिगेन विद लेक्चर इज सपोज टू बी द कोट ऑफ फ्रिक्शन हमने बोला कि म्यू की वैल्यूज लेस देन वन भी होती है मोर देन वन भी होती है इक्वल टू वन भी होती है इक्वल टू वन में हमने एग्जांपल दिया दैट इज अ रबर ऑन अ ड्राई कंक्रीट राइट मोर देन वन में एग्जांपल दिया था हमने सिल्वर और सिल्वर का ये बताया था म्यू की वैल्यू वन से ज्यादा किन हालात में हो सकती है जब आपका इंसिडेंट प्रेशर सर्फेस पे ज्यादा हो पहला दूसरा सिमिलर सर्फिस हो और वो मेटालिक सर्फिस हों तो ये हो सकता है स काइंड ऑफ सर्फेस देखे और फिर उसकी सारी वैल्यूज लिखी हुई थी स्टैटिक की सो द पॉइंट हाउ डू व्यू बेसिकली जनरेट दो पता कैसे चलती है रीजन बिकॉज इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द

और जो आर साइन थीटा कॉम्पोनेट था उसको हमने नाम दिया था एज अ टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द रिएक्शन और इसी को हमने फ्रिक्शन के लफ्स दिए थे राइट सो द द फ्रिक्शन इज अ टेंजेंशियल ऑफ और रिएक्शन फोर्स दूसरा कॉम्पोनेंट है दैट इज थीटा वो हमें पहले से ही आता है फिर भी हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी डेट वॉज अ नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ रिएक्शन ठीक सो so, अभी जो एंगल थीटा है हमारा डिस्कशन एक्चुअली आज के लेक्चर में इसके ऊपर

टेंडेंसी ऑफ द मोशन कहां पर है उसको पता चल गया कि आपका इरादा क्या है कि इस ब्लॉक को को राइट मूव करने का कम्स द द स्मार्टनेस ऑफ़ फ्रिक्शन ऑपोजिंग इट वे फ्यूचर का सोच के कि कभी ना कभी ये आगे की तरफ जाएगा तो उसके लिए पहले से इसने इलाज करा प्रिवेंशन करी इट अप्लाइडोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ताकि बॉन्ड्स ना टूटे कोशिश करी ना बॉन्ड्स के ऊपर असर आ रहा था तो एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप करी कहां पे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दैट्स द अब बॉन्ड्स की ताकत थी तो बॉन्ड्स की ताकत थी उसको ये फोर्स टेस्ट कर रही है आप फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे और बॉन्ड्स को ज्यादा जोर आएगा मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी एक, एक स्टेज आएगी एक स्टेज आएगी जिसके बियॉन्ड वो बॉन्ड्स होल्ड नहीं कर पाएंगे और जब आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे और ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा ऐसी स्टेट को हमने नाम दिया था एंड द स्टेट वॉज लेबल्ड एज इम्पेंडिंग मोशन लेबल डिस पर्टिकुलर स्टेट एज एन इमेंडिंग मोशनिंग मोशन का मतलब हमने सीखा था द मोशन इज जस्ट अबाउट टू अकर हिंदी में बोले तो बिज कगारो अवर आर्टिकल इज सिंपली बेस्ड अपॉन दिस आइडिया द इम्पेंडिंग मोशन इस समय जो नेचर ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या होती है लिमिटिंग से ज्यादा फ्रिक्शन का जोर नहीं है अब बॉन्ड्स टूट जाएंगे और ब्लॉक मोशन में आ जाएगा समय नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी बिल्कुल लग रही है द नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन रिएक्शन डेफिनेटली एक्टिंग सो दैट्स अ क्या कर रही है वेट को बैलेंस कर करती है वेट को बैलेंस है सो द वेट एक्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड्स और वहीं से नॉर्मली रिएक्शन कहा लग रही है ऊपर और ये आपस में बैलेंस कर रहे हैं राइट और यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कर रही है जो एक्सटर्नल फोर्स अपने अप्लाई करी उसको रोक के बैठी है जो बिल्कुल कगार पे मामला है बिल्कुल द मोशन इज अबाउट टू हैपन दैट है इम्पेंडिंग मोशन इस समय अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है वेयर इज द वेयर इज द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स तो हम बोलेंगे इसका तो लॉ एडिशन अब अप्लाई कर लेंगे, आता है आपको so आपने क्या करा पैरलोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करा और उसकी मदद से आपने रिजल्टेंट ऑफ द फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन को चेक इन करा और उसी को आपने क्या बोला दैट्स रिएक्शन राइट right? तो पहले पिछले लेक्चर में मैंने रिएक्शन फोर्स से स्प्लिट करके एन और एफ समझाया था इस बार मैंने क्या करा है आपको पहले एन की एग्जिस्टेंस समझाई फ्रिक्शन की एग्जिस्टेंस समझाई और अब आपको कहां ले गया हूं ऑन द रिएक्शन फोर्स बिल्कुल रिवर्स आइडिया पर बात बराबर है आप समझदार हैं समझते हैं राइट और सो अब हमसे पूछा जाएगा कि रिएक्शन फोर्स क्या है हमने कहा वेक्टर है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हर वेक्टर का एक डायरेक्शन होता है राइट so है. है? Right. और जो फ्रिक्शन है वो अलॉन्ग दर्फेट टू दर्फेस लगती है तो ये रिएक्शन फोर्स जो है ये कहाँ लग रही है तो हमने बोला एक एंगल पर लग रही है तो डिफाइन करा द एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या बोला द एंगल ऑफ फ्रिक्शन यू कैन सी दर समीपल लाइक

तो, तो साधारण बात है ना आपके लिए आर को रिजोल्व करेंगे तो इस तरफ कॉम्पोन आएगा आर जहां पे है और वो बेसिकली एन के बराबर हो गया ना क्योंकि है आर कॉसा so, जो है वो एन के बराबर है ठीक है और आर का जो दूसरा कॉम्पोनेट है वो कहां पर आएगा अलोंग द सर्फेस कितना है oh, that is R sin of lambda. अच्छा

राइट सो आई है कितना हो गया है टैन ऑफ लैमडा हो गया है एंड इज इक्वल टू यहां पर हम क्या करें वॉट शुड वी डू हेर वी विल डू टू थिंग्स ओके क्या करते हैं हम लॉस के ऊपर ध्यान देते हैं द लॉस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन वहां से ध्यान आया

मतलब क्या हुआ इसका दूसरी बात एक आपके जहन में सवाल आएगा और आप शायद पूछे ना पर मैं बता दूं मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी तरफ यह एंगल सर आपने वर्टिकल के साथ क्यों लिया हॉरिजॉन्टल के साथ क्यों नहीं लिया आप तो कोई भी एंगल ले सकते जब हुड यू कि आपने वर्टिकल के साथ एंगल लिया मैंने कहा उसका रीजन डियर ये है द मूवमेंट आई टेक दिस एंगल विद द वर्टिकल आई गेट दिस रिलेशन अगर मैंने एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ लिया होता तो जो एफ एल का फॉर्मूला आता है वो आर कॉस्ट लैमडा आता नहीं है ना ठीक है ना आर कॉस्ट लैमडा आता है अगर मैं हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल लेता तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है जो डेवलप होना था वो थोड़ा हिल जाता यहां पर क्या हो रहा है बात समझिएगा बहुत ईजी है देखो बहुत ईजी है जैसे जैसे लैमडा की वैल्यू राइज करेगी अगर लैमडा की वैल्यू इंक्रीज करती है तो इसका मतलब साइन लैमडा फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज करेगा और अगर साइन लैमडा इंक्रीज करता है

दैट नॉट अ करेक्ट सिलेक्शन उससे क्या होता है अब एंगल बढ़ाएंगे और फ्रिक्शन कम हो रहा है तो फिर उसको एंगल और फ्रिक्शन थोड़ी बोलेंगे सो द पॉइंट इज क्लियर वेद यू दैट वाई वीव टेकन दैट पर्टिकुलर एंगल ओवर देयर और इससे फायदा क्या है फायदा क्या है कि आपको म्यू की वैल्यू मिल जाए सर ये क्या बात लैमडा तो पहले पता नहीं है अब म्यू से लैमडा निकाल रहे हो फिर कह रहे हो क्योंकि आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी सो देयर इज अ एस्पेक्ट वॉट द सेकंड एस्पेक्ट वॉच इट केयरफुल नाउ यू लुक एट द प्रॉब इन इक्वलिवरियम

आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर नहीं पता है लेकिन आपने कितनी फोर्स लगाई है वो तो आपको पता है चार न्यूटन आपने लगाई है पांच न्यूटन आपने लगाई है तो वो तो आपको पता है दूसरी बात दूसरी बात वर्टिकल से देखें सो एन इज इक्वल टू एम जी अब माई डियर अब माय डियर पॉइंट क्या है कि देखो एन कितना है वो तो शायद मुझे नहीं पता था लेकिन मेरे बॉडी का वेट कितना है शायद मुझे वो पता है जो ब्लॉक मैंने हैंग करना है शायद या टेबल पर रखना है उसका वजन मुझे पहले से पता है सो 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 वेन आई एम राइटिंग टैन लैमडा विच इज इक्वल टू एफ एल बाई एन दोबारा से वेन आई एम राइटिंग टैन लैमडा विच इज इक्वल टू एफ एल अपॉन एन तो एफ एल की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है और एन की वैल्यू एम जी के बराबर है सो इन दिस फॉर्मुला इज इन डिस फॉर्मूला Looks like this that tan lambda is equal to external force upon mg. Yes, you heard it right. You heard it right. Or a kopa mg kit na, external force kit So, so from fitting those values, you will get the value for lambda. From fitting those values, you will get the value for lambda. And once you know the lambda, then you can mark up the value for mu. You can evaluate the value for the mu between the surfaces in contact novice idea Hannah a great idea for basically making us evaluate the coefficient of friction so see in this illustration we have a wooden block we have a pulley over there these are the materials which are kept on the table and what we are going to do right now you see that what we are going to do we are going to bring in some different kind of the uh, materials and then what we are going to do see that see that there is a block and there is supposed to be a फोर्स फोर्स कैसे वेट डाल के लगाएंगे पुली के अरेंजमेंट के थ्रू राइट और अब हम क्या करने वाले अभी ब्लॉक हम धीरे 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 क्या करेंगे हम वो जो पैन है खाली है, अभी खाली है है अभी उसके अंदर वजन रखेंगे तो क्या होगा देखो रखा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ और वजन डालो और वजन डालो डालो कभी ना कभी क्या होगा ये ब्लॉक हिलेगा अभी नहीं हिला ना हिलेगा देखो हिला हिला हिलाने तो वो वजन नोट करना है जब वो हिलेगा वही तो आपकी एक्सटर्नल फोर्स हो गई हो गई ना जितना एक्सटर्नल बेड आपने डाला उतनी एक्सटर्नल फोर्स आ गई उतनी टेंशन आ गई और उससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी लिमिटिंग फ्रिक्शन है कितने और डिफरेंट डिफरेंट अगर आप वहां पे मटेरियल डालेंगे नीचे सैंड पेपर डालेंगे तो अलग अलग आएगा अलग अलग आएगा एंड फ्रॉम दैट यू विल बी एबल टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द फ्रिक्शन चलो तो हमें एक तरीका तो मिल गया हमें एक तरीका तो मिल गया कि किस तरीके से हमने फ्रिक्शन कोफिशन को फाइंड करना है म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है कैसे आपने पहले टैन लैमडा निकालना है इसके थ्रू इस एक्सप्रेशन के थ्रू और फिर जब वो टैन लैमडा मिल जाए तो फिर आपने उसके थ्रू इस रिलेशन को यूज करके आपने म्यू की वैल्यू निकाल लेनी है हालांकि ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे फॉर सम ऑफ द मेमोरिकल्स राइट बट द क्लियरली अंडरस्टेडेड टू यू और बाकी फॉर्मले में ध्यान रखिएगा बाकी फॉर्मले भूलिएगा मत दिस इज द इम्पोर्टेंट वन आर इक्वल टू रूट ऑफ एन स्क्र प्लस एफ स्क्र क्लियर है जी बिल्कुल क्लियर है सर अच्छा ये देखो मान लो कि हमसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू कितनी है तो हम आर की वैल्यू देखो लिख सकते हैं ना दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ एल स्क् लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमें गिवन है तो एफ एल की वैल्यू कैसे आएगी ओह लॉ से वॉट इज एफ एल म्यू इन टू एन

परपेंडिकुलर टू द सर्फेस लग रही है दैट्स द नॉर्मल रिएक्शन लेकिन ये तब तक जब तक हम उस दुनिया में थे जहां पे फ्रिक्शन नहीं होती है रियल वर्ल्ड में फ्रिक्शन है सो द कॉन्टैक्ट फोर्स द रिएक्शन फोर्स द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स द नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओवर देयर इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन जो कि इस सवाल में इसके बराबर है हो सकता है डिफरेंट क्वेश्चन में उसकी वैल्यू डिफरेंट है इस क्वेश्चन में फिलहाल ये है राइट right? सो so, चलो अब इस एस्पेक्ट uh, को hmm. सोच के हम आगे की तरफ बढ़ते हैं वी आर गोइंग टू मूव अहेड एंड गोइंग टू ब्रिंग अप ऑन इनक्लाइन इंक्लाइन एंड सी वॉट इंक्लाइन हमने एक अरेंजमेंट बनाना है इस तरीके से आप घर में बना सकते हैं और रैम्प बना दो आप और ऐसा रैम्प बनाओ कि जिसका आप उसको रोटेट कर सको जिसका एंगल बना सको सॉरी मैं बना नहीं पाया बिजी सो uh, so, मैं बना नहीं पाया रीजन बिकॉज uh, uh, कुछ काम था अबाउट द स्टूडेंट सॉल आपके लिए कुछ काम था सो so, सो so, मैं बना नहीं पाया नहीं आपको बना के वो दिखाता है तो टेम्प्रेरी अरेंजमेंट थोड़ा सा करा है मैंने दिखाऊँगा तो ये आप बना सकते हैं घर के ऊपर इस तरीके से जिससे आप एक्सपेरिमेंट घर पे कुछ कर पाए स्कूल तो खुले नहीं है सो सो यू 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 कैन टॉक अबाउट दिस ओके लेट्स सी व्हाट आई आई एम एम ट्राइंग टू 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 टेल नाउ गोइंग इंट्रोड्यूस थिंग फॉर टर्म टर्म एंड दैट इज एंगल ऑफ रिपोर्ट सर अभी अभी एक एंगल करेस सी yes. हम पूरा पक्का होना चाहते हैं कि म्यू की वैल्यू कितनी है पक्का होना चाहते हैं हमने सोचा एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जिससे हमें म्यू की वैल्यू दोबारा मिल पाए और वो एक्सपेरिमेंट है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर

ये देखो सर एम लगती है नीचे और ये बहुत मजा आता है ना कि जब आपको पता हो और आप मुझे बताओ तो मुझे लगता है यह मेरी बताई हुई बातें सफल है सो so, इससे एक कॉम्पोनेंट सर देखो नीचे की तरफ आता है और वो कॉम्पोनेंट होता है सर एम जी साइन थीटा ये का कॉम्पोनेट है एम जी साइन थीटा ये एम जी साइन थीटा क्या करेगा इसको नीचे लाएगा सर जैसे हम ना पहाड़ों से नीचे आ रहे होते हैं हमारी गाड़ी नीचे आ रही होती है तो अपने आप अगर इंजन बंद भी कर दें जैसे साइकिल चला रहे हैं साइकिलिंग पेडलिंग करना बंद कर दें तो भी सर हम नीचे आते जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस दैट इज एम जी साइन थे डन देन वट आर द पॉसिबिलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट देखो ये मैंने बोला टेम्प्रेरी अरेंजमेंट तो मैं करके रखता हूँ ये देखो यह है कि माचिस की डब्बी जो मैंने जला के दिखाई थी कल माचिस मतलब ये इन क्लाइंट प्लेन की तरह है ऐसे देखो ये अभी ऐसे रखा हुआ इसका एंकल जीरो है ठीक है इसको मैंने ऊपर कराऊ और इसके ऊपर माचिस की डब्बी रखी रखी देखो मैंने इसको हल्का अभी तो ये बिल्कुल माचिस की डब्बी हिल ही नहीं है हाँ ये ना क्योंकि थीठा जीरो तो जीरो Zero, MG zero, कोई ही नहीं है, तो, तो फिर हमने अभी एम जी साइन थीटा लग रही है देखो मैंने इंक्लाइन करा ना तो एम जी थीटा लग रही है पर हिली नहीं क्यों भाई क्यों नहीं क्योंकि ऊपर कोई एक फोर्स है जो कि इसकी टेंडेंसी और मोशन को रोक रही है मोशन तो हो ही नहीं रहा था तो ये तो बोल नहीं सकते ना कि नहीं मोशन को अपोज करी मोशन तो हुआ ही नहीं

एंगल पेटिक एक एंगल पे आई होगी एंगल क्रिटिकल एंगल तो नहीं बोल रहा मैं यस 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 वही एक एंगल होगा ना देखो उस एंगल के पीछे तो ये नहीं है अभी भी नहीं है अभी भी नहीं है अभी भी नहीं, है, अभी भी नहीं है। ये ओए हो गया आगे नीचे आगे इसका मतलब देर अ क्रिटिकल एंगल बियॉन्ड विच देर विल बी द मोशन एंड बिलो विच देर विल बी नो मोशन अरे सर फिजिकल लैंग्वेज में बोलो देखो देर विल बी एंगल क्रिटिकल एंगल जिसके बियॉन्ड बियॉन्डर विल बी फ्रिक्शन

तो हमने क्या करा इसको ऐसे रखा रखा देखो अभी नहीं हिल रहा नहीं हिल रहा नहीं हिल रहा और ये एंगल भी सर इतना ज्यादा कर दिया अभी भी नहीं हिल रहा सर ये तो मार्च की डब्बी तो पहले हिल गई थी पर ये देखो सर ये तो हिल ही नहीं रहा ये तो हिल ही नहीं रहा हिल ही नहीं रहा कभी ना कभी हिलेगा अब एंगल ज्यादा आया अब वो क्रिटिकल एंगल ज्यादा आ रहा है सर ज्यादा क्यों आ रहा है मास ज्यादा तो नहीं है मास कम तो नहीं है नहीं नहीं, नहीं सर मास के ऊपर नहीं होगा सर डाउट हो सकता है मास के ऊपर हो सकता है देखो सर एम जी साइंसा लग रही है देखते हैं अभी ये सारी बातें देखेंगे न्यूमेरिकली भी देखेंगे मैथमेटिकली भी देखेंगे अभी तो एक्सपेरिमेंटली देख लें तो क्या हो रहा है मैं बताता हूं क्या हो रहा है एक्चुअली ये जो है ना इसके अंदर ये जो ग्रूविंग्स है ना ये स्मूथ नहीं है ये भी स्मूथ नहीं है तो क्या हो रहा है अटक रहे हैं इसके अंदर ग्रूव अटक रहे हैं इसके अंदर अटक रहे हैं तो म्यू की वैल्यू ज्यादा ज मोर इरेगुलरिटी इज मोर डिफॉर्मेशन इज मोर एस्पिरिटी मोर डेर फोर द फ्रिक्शन को नेचर ऑफ द सर्फिट डिब्बी रखेंगे नीचे आ रही है नीचे आ रही है ये रखेंगे इस एंगल पे नीचे नहीं आ रहा है और मजा आया एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल आया सर अब इन सारी बातों का जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली दिखा रही है अब इस सारी बातों को मैथमेटिकल फिजिकल अप्रोच देते हैं और उसके लिए क्रिटिकल एंगल को भी एक नाम देते हैं द्रिटिकल एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोर्स वो एक ऐसा एंगल है कि जिससे कम वैल्यू पे ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा उससे ज्यादा एंगल पे ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो इस कंडीशन में द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लाइडिंग नो स्लाइडिंग ओवर इसका मतलब ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रही है कौन सी लग रही है दैट हैज टू बी द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो स्टेटिक फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है एमजी साइन के वॉट इज एम जी साइन

एक्सिलेंट माइ डियर इज सपोज टू बी दस ऑफ वॉट दिक्शन लिमिटिंग मोशन इज ऑलवेजीबरियम वर्ड इसलिए क्योंकि मूव नहीं कर रहा है उसके ऊपर नेक्ट फोर्स अभी भी जीरो है फोर्सिस के नाम पे एम जी साइन थीटा नीचे लग रही है जितनी लगनी थी उतनी लगनी थी इस समय एंगल मैंने फाइव लिखा है सो दैट एम जी साइन फाइव एक्टिंग डाउन It's acting down and the friction is acting up but this time the nature of the friction is limiting pura dam kham friction ka lag chuka hai dam kham lag chuka hai so so i have mg sin phi as equal to the limiting friction wo bilkul sahi baat एम जी साइन फाइव सपोज टू बी द लिमिट इन्फ्लेक्शन थोड़ी जगह बना लेते हैं थोड़ी जगह बना लिया हमने okay, अब कहाँ की बात आ रही है normal कहाँ है नॉर्मल ऐसा देखो यहां पे दैट्स द नॉर्मल फॉर पेंडिकुलर टू द्लान अच्छा वो क्या करेंगे सर दूसरे कॉम्पोनेंट को कह दूसरा कॉम्पोनेट सर ये वाला वो कौन सा कॉम्पोनेंट है सर एम जी कॉस्टीटा जी कॉस्टीटा कॉम्पोनेंट सर उसको बैलेंस करिए करिएन इज सपोज टू बी इक्वल टू एम जी कॉस्टीटा एन अब एम जी नहीं है अगर ये प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है हॉरिजोंटल होता है तो फिर एन की वैल्यू कितनी होती है एम जी देखो ना ये अगर हॉरिजॉन्टल होता तो फिर एन कहां लगता है ऐसे ऊपर की तरफ तो एम जी नीचे एन इक्वल एमजी पर इंक्लाइन पर आ गया अब एन कैसे लगेगा परपेंडिकुलर टू द सर्फेस तो नहीं रहा मतलब दिख रहा है कि नहीं तो ये ऐसे परपेंडिकुलर टू द सर्फेस लगेगा ऐसे तो उस डायरेक्शन में एमजी का कौन सा कॉम्पोनेंट है एम जी कॉस्टेटा सो एन क्या है इंक्लाइन प्लेन अभी फिलहाल अभी कितनी है एम जी कॉस्ट्रेटा फाइन 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 सो एन की वैल्यू एम जी कॉस्टेटा अभी भी सेम है ये एन का डायरेक्शन हो गया और ये एम जी कॉस्ट्रेडा हो गया इस केस में हमने फाइव एंगल दिया हुआ तो एम जी कॉस फाइव हो गया सो द वैल्यू फॉर द दैट बिकम्स इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ फाइव ये बन गया वेरी गुड अब क्या करें डिवाइड करो जी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को रिजल्ट के ऊपर आने की कोशिश करते हैं अभी मैंने बताया था कि देखो ये जो सारा मामला हो रहा है सारे मामले में मास्क का रोल नहीं है मास्क का रोल नहीं है ठीक है ना अब हम देखो पहाड़ बनते हैं पहाड़ों के ऊपर रोड बनती है पहाड़ अपने आप बनते हैं रोड, रोड हम बनाते हैं आर्मी वाले बनाते हैं इंजीनियर्स बनाते हैं तो जो वो रोड बनती है पहाड़ों पर तो बड़ी सुंदर रोड्स बनती है वैसे है ना तो वो जो रोड्स बनती हैं उस तो पर किसी भी किस्म की व्हीकल जा सकती है ना ऐसा तो नहीं है कि आपकी एस यू भी जाएगी या आपकी मारुति एट हंड्रेड जाएगी है ना या आपकी सेडान जाएगी या साइकिल जाएगी ऑटो जाएगा बस जाएगा ट्रक जाएगा ऐसा तो नहीं है सबको अलाउड है ना मास्क के ऊपर कहानी नहीं होती है डिजाइनिंग इज नेवर बेस्ड अपॉन द मास्क

और एक बार हमारे सामने फिर से टैन फाइव कितना आता है म्यू के बराबर आ जाता है पर ये है कौन सा दैट्स दैट्सेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन ओके सो द वैल्यू फॉर द हैज टू बी इक्वल टू टैन इन वर्स म्यू इन टाइव इज अवर ब्यूटिफुल एंगल दैट्स एंगल ऑफ रिपोज दैट क्रिटिकल एंगल एट विच द ब्लॉक इज इन अ स्टेट ऑफ इम्पेंडिंग मोशन द क्रिटिकल एंगल एट विच द ब्लॉक इज इन द स्टेट ऑफ द इम्पेंडिंग मोशन

The nature of the friction is static friction over there. Is This Just the angle. This is the case number 2. What is the case number 2? The case number 2 is when the angle of the incline is equal to the repose angle. In that condition, the nature of the friction is what? Limiting. And see, it does not depend upon the mass value. Do you This at the answer. Here, सर ये तो सेम था हाँ हाँ अच्छा ये तो सेम था ये फ्रिक्शन कौन सी थी सर लिमिटिंग थी अच्छा ये म्यूएल है हाँ जी सर म्यूएल ये भी म्यूएल है ये भी म्यूएल सर ये तो सेम नहीं आ रहा सर देखो टैन लैमडा म्यूएल आ रहा है सर देखो टैन फाइव म्यूएल आ रहा है अरे हाँ अरे हाँ इसका मतलब सर देखो टैन लैमडा म्यूएल है टैन फाइव म्यूएल है इसका मतलब सर लैमडा इक्वल टू फाइव है बिल्कुल सही द वे यू हैव डन द एक्सपेरिमेंट आर डिफरेंट वो एक्सपेरिमेंट है ये इंक्लाइन एक्सपेरिमेंट है वे द एक्सपेरिमेंट इज डिफरेंट बट बेसिकली म्यू तो सेम आ रहा है ना सेम सर्फेस के लिए सेम सर्फेस और कॉन्टैक्ट के लिए म्यू की वैल्यू तो सेम आनी चाहिए ना सो दिस एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक्सप्लेन दैट म्यू जो है वो सिर्फ नेचर और सर्फेस पर डिपेंड करता है हॉरेजोंटल या ऐसे करके फोर्सेस को बदला हमने हमने फोर्सेस को बदला हमने एन की वैल्यू भी बदली क्या आप घड़ी एन की वैल्यू भी बदली पहले एन की वैल्यू एम थी अब एन की वैल्यू एम जी कॉ सीडा हो गई एन बदला लेकिन म्यू नहीं बदला बाकी पैरामीटर अपने आप सेट हुए कि म्यू नहीं बदला सो कैन गेट अ क्वेश्चन नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीजेस और द नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीजेस वॉट विल द रिजल्ट ऑन म्यू नो नो रिजल्ट नो इफेक्ट क्यों रीजन बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दीज पैरामीटर्स

सेम पहले रिपोज मतलब uh, course, ये वाला रिपोज़ एंगल है और ये वाला आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है दोनों बराबर दो अलग है एंगल ऑफ रिपोज मिनिमम इंक्लिनेशन ऑफ एनी प्लेन टू हॉरिजॉन्टल इट सच दैट अ बॉडी रेस्टिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन टेन टू मूव डाउन देन दिस मिनिमम इंक्लिनेशन इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज समझा दी इससे इससे कम एंगल पे वो स्लाइड नहीं करेगा इसके ज्यादा एंगल पे डेफिनेटली स्लाइड करेगा इससे ज्यादा एंगल ठीक है ना तो ये वो क्रिटिकल एंगल हो गया जिस पे वो जस्ट इम्पेंडिंग मोशन में इसके beyond, इसके बियॉन्ड बियॉन्ड मिनिमम है इससे थोड़ा सा ज्यादा एंगल होगा सो द ब्लॉक इज गोइंग टू स्लाइड एंड दैट इज सपोज टू बी द केस नंबर थ्री सो वॉट इज द केस नंबर थ्री कि अगर जो एंगल ऑफ द इंक्लाइन है वो क्या है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है So, for this block is definitely going to slide down because of what because of the force what kind of the force mg sine theta mg sine theta ko friction of sambhal nahi payegi hogi friction nahi kam hogi. required se kam hogi. par, hogi. par si? kinetic. so what is the nature of the friction in this condition the nature of the friction is supposed to be kinetic the reason the block actually slides down so the block slides down the plane and so this will accelerate down the plane. Fine. So that's it. That mg sin theta is supposed to be over here more than the kinetic friction. That's our idea. So the block is sliding. So nature of the friction is the kinetic. So no nature of friction we use. All the three. There is a normal reaction also. There is a normal reaction. Where it is? Oh, it is here perpendicular to the surface. This is balanced mg cos theta.

तो उनके बीच के इस पर्टिकुलर एंगल को हमने क्या बोला था एंगल ऑफ द फ्रिक्शन और इसी एंगल को लैमडा क्यों बोला था उसका रीजन मैंने समझा दिया रिवाइज करके भी देख सकते कर सकते हो हो कर और इसको हम लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों बोलते हैं उसका रीजन समझा दिया है क्योंकि ये सिर्फ तब नापा जाता है जिस समय क्या हो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही हो इम्पेंडिंग मोशन हो तब नापा जाता है इम्पेंडिंग मोशन का मतलब ही आपके अंदर समा गया है ठीक है सो न्यू लैंग्वेज थी ना इस पर्टिकुलर चैप्टर की आपने कभी सुनी नहीं थी पर्टिकुलर लैंग्वेज लेकिन आपके सामने आ गई आपने एब्जॉर्व करी समझी

और uh, आसान कंडीशन क्या होती है आसान कंडीशन ये है कि uh, इतना सब कुछ चेक ही ना करना पड़ेगा और ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाए वो कब होगा जब एंगल ऑफ इंक्लाइन जो है वो क्या हो वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो तो ब्लॉक डेफिनेटली स्लाइड डाउन करेगा चलो अब ऐसा करते हैं लैंग्वेज देखते हैं ऑफ द क्वेश्चन सो ये मेरे पास में आपके लिए एक सवाल है दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ये ना स्टैंड प्रॉब्लम कहलाती है इस नोन एज अ अड प्रॉब्लम आसान सी प्रॉब्लम है इसके अंदर कुछ मतलब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगता ये का पाइल है पाइल 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 ऑफ 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 सैंड 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 का मतलब पता और, ट्रक ट्रक और आपके घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो आपको चाहिए सैंड है ना मिक्सिंग करने के लिए कंक्रीट मिक्स बनाने के लिए आपको सैंड चाहिए होता है तो फिर एक ट्रक ने ना ऐसे करा अपने पीछे ऐसे करा ट्रक ऐसे वो इंक्लाइन हुआ उसमें सैंड गिरने लगा सैंड गिरने लगा नीचे गिरने लगा सब जगह फैल जाना चाहिए था प पहाड़ बनना शुरू हो जाता है हाँ, लाइव पहाड़ देख सकते हैं हम लाइव पहाड़ देख सकते हैं बनते हुए कि ऐसे ही पहाड़ बनते होंगे शायद फिर ना घर में भी बना दिया हमने पहाड़ माउंट एवरेस्ट नहीं माउंट एवरेस्ट नहीं बना पाओगे माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं बना पाओगे सर दस किलोमीटर की हाइट होती है माउंट एवरेस्ट के तकरीबन सर एट एट नाइन टू तो ऐसा कुछ कंचन जगह के टू पीक है उतनी नहीं बना सकते सर बिल्कुल नहीं बना पाओगे क्यों नहीं बना पाओगे करके देखो पता चल जाएगा नहीं बना पाओगे देयर इज गोइंग टू बी माई डियर मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्पाइल इसके बियॉन्ड आप कोशिश भी करेंगे ना तो भी आप इस पाइल को बना नहीं पाएंगे इस एक्चुअली अ कोन ओवर एयर विच इज इन मेकिंग एंड दिस विल हैव अ मैक्सिमम हाइट ओवर एयर एंड द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन दैट व्हाट इज दैट मैक्सिमम हाइट इफ द रेडियस ऑफ दिस पाइल आप देख सकते हैं ना वहां पर कितना बड़ा गोला बना द रेडियस ऑफ दिस पाइल इज गिवन एज आर एंड माई डियर

सैंड के पार्टिकल्स स्लाइड होना शुरू हो गए क्या हो गए स्लाइड होना शुरू हो गए हमने देखा यार हुआ क्या बात समझ में आई यहाँ पे एंगल कम था यह एंगल ज़रूरत से ज्यादा हो रहा है मतलब यहाँ पे एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज हो रहा होगा यहाँ पे एंगल लेस देन एंगल ऑफ रिपोज है इस वजह से यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही है सैंड पार्टिकल्स आपस में स्लाइड नहीं कर रहे हैं लेकिन इसमें स्लाइड करने लगे। होता है है पता आपको? जो होते हैं बर्फ होती है ना बर्फ का एवल आता है मूवीज में देखो एकदम से बर्फ का पहाड़ टूट के नीचे आता है या फिर आपके जैसे जहाँ पे रेगिस्तान होता है वहां पे तो सैंड टूटते हैं वह बिल्कुल धार धार करके नीचे आते हैं कोई बचता नहीं उसके अंदर सब धस जाते हैं उसमें So that kind of हमने सोचा यार, तो मैक्सिमम हाइट कहां से आएगी इससे आएगी क्या इंपेंडिंग स्टेट इंपेंडिंग स्टेट सोच के देखो कि यहां पे क्या है ये सैंड ग्रेन के पार्टिकल्स हैं ये सारे सैंड ग्रेन पार्टिकल्स हैं और इनके ऊपर भी सैंड ग्रेन पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में स्लाइडिंग जस्ट बची हुई जस्ट बची हुई है. मतलब अगर एक सैंड पार्टिकल का डायग्राम बनाते हैं तो एम जी साइन फाइव क्योंकि क्रिटिकल एंगल है ना यहाँ पे एम जी साइन फाइव जो होगा वो बस रुक रहा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से लिमिटिंग अब आप इसको लंबा चौड़ा करना चाहते हैं लंबा चौड़ा करिए मतलब आप एंड भी बनाइए यहां से और उसको एम जी कॉस इक्वल करिए फिर दो दो इक्वेशन लिखिए या फिर सीधा यूज करिए

नहीं तो क्वेश्चन को क्लैरिफाई करना चाहिए कि म्यूएस क्या है म्यूके क्या है पर ऐसे आपको ना दस में से दो सवाल मिलेंगे जिसके अंदर म्यूएस म्यूके अलग, अलग अलग गिवन होगा यूजुअली एक ही म्यूके वैल्यू गिवन होती है और ऐसा इसलिए भी होता है जब आप देखोगे ना वैल्यूज को टेबल से तो आपको दिखेगा कि म्यूएस की वैल्यू अगर पॉइंट टू टू है तो म्यूके की वैल्यू पॉइंट टू वन होगी तो ज्यादा बारीक फर्क होता है मतलब ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है तो इस वजह से कई बार हम उसको सेम वैल्यू ले लेते हैं हालांकि कॉन्सेप्चुअली हमें पता है स्टैटिक की वैल्यू ज्यादा होती है कैनेटिक से और न्यूमेरिकली कई बार हम

बाकी रीजन खराब नहीं होगा उसके ऊपर सैंड बिखरेगी अगर आप मैक्सिमम पाइल इतना ही बनाते उसके ऊपर का पाइल नहीं बनाते तो फिर वो बिखरेगा नहीं ठीक सोडन नाइस क्वेश्चन एक्सलेंट नाइस क्वेश्चन अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ यू लर्न बिना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के फिजिक्स में मजा नहीं आता अब जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि क्या करते हैं हम ना जो इंसेक्ट्स लेते हैं इंसेक्ट्स पकड़ते हैं बहुत सुंदर सुंदर इंसेक्ट्स भी होते हैं कई बार खतरनाक भी होते हैं उनको देखना पड़ेगा ऐसे तो सारे इंसेक्ट्स इंसेक्स लिखते हैं So, जब हमें क्या करना पड़ता है उनको देखना पड़ता है वॉच क्लास के अंदर रखना पड़ता है तो हम क्या करते हैं उनको ट्रैप करते हैं उनको ट्रैप करते हैं ट्रैप करते हैं मतलब हम क्या करते है? उनको हैं उनको बेचारे को बाहर नहीं निकलने देते तो मुश्किल बात है है ना तो हम हम क्या करते हैं दो तरीके के वॉच क्लास बनाते हैं एक बनाते हैं सीधा वर्टिकल ऐसा ऐसा वॉच क्लास होता है बिल्कुल ऐसे दिस इज लाइक एंड आपको ना किसी ने आपको सोचो लाइट सोचो कि आपको किसी ने कुएं के अंदर धक्का दे दिया कुआ पता है वेल कैसा होता है धक्का दे दिया नीचे अब आपको बोला कोई सपोर्ट नहीं है आ, क्लाइम करो कर ही नहीं पाओगे गए जीवन भर आपको उसी में आवाजें मारते रहोगे बचाओ बचाओ तो आप यहाँ फस गए और आपको ऊपर क्लाइम करना कर ही नहीं पाओगे एमजी सीधा नीचे लग रही है और आप कर नहीं पा रहे हो सकता है कि कोई फोर्स नहीं मिल रही हो जिसकी वजह से आप ऊपर क्लाइम नहीं कर पा रहे हैं पैर फिसल रहे होंगे यस फ्रिक्शन विल बी बिलविल फ्रिक्शन एसर होगी इस वजह से आप ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे आपका जीवन उसी के अंदर अंधेरों में बीत जाएगा सो so, इंसेक्ट के साथ ऐसा ही होता है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट थोड़ी क्रॉल करने की ऊपर कोशिश करता है लेकिन उसका वजन उसको नीचे गिरा देता है फ्रिक्शन उतनी होती नहीं है एंड आपको जो देखने में मज़ा आता है आ, देखते हैं आप इंसेक्ट को मजे से देख रहे होते हैं उसको है ना है ना गलत बात है चलो फिर हमने क्या करा कि एक मौका दे देखते हैं इसको किसमें एक हेमिसफेरिकल बोल में मौका देख देखते हैं इसको हेमिसफेरिकल बोल में मैं इसको लाइव नहीं दिखाऊंगा बिल्कुल नहीं दिखा सकता मैं ऐसा नहीं हूँ आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट इनिंग ओके सो ये मैंने क्या करा है एक हेमिस्टोरिकल बोल दिया है हेमिस्टोरिकल बोल में जो इंसेक्ट था वो नीचे था और अब वो क्लाइंब करके ऊपर जा रहा है जा रहा है मेडिकल वाला स्टूडेंट कहता है कि सर ये बताओ ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा सकता है ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा सकता है सर वो बताओ तो मैंने कहा चलो ढूंढते हैं बताते हैं कि मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा सकता है So, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ये इसके मैक्सिम हाइट है इसके बियॉन्ड ये नहीं जा गिर जाएगा।, जाएगा नहीं ये वापस स्लाइड कर जाएगा सर वापस को स्लाइड कर जाएगा चलो फिर फ्री बॉडी बनाते हैं तभी बातें समझ में आएंगी सर वेर इज अमल नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दर्फेस इन कॉन्टेक्ट सो रिएक्शन फोर्स है कि नहीं है ये देखो ना ये सर्फेस इन कॉन्टेक्ट है इसके परपेंडिकुलर लाइन लग रही है अच्छा सर ये तो बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन जैसा लग रहा है इमेजिनरी इंक्लाइन प्लेन जैसा अगर आप देखना चाहें तो और फिर सर उसका वजन लग रहा होगा देखो बेटा नीचे तो उस वजन के दो कॉम्पोनेंट आते हैं एक इधर आता है वो क्या होता है एम जी कॉस एंगल एंगल सर एंगल कौन सा ये वाला एंगल थीटा है ये वाला एंगल थीटा मतलब एम जी यहाँ लग रही थी और ये वाला एंगल कितने है थोड़ा सा सही नहीं बना है इसको दोबारा बनाते हैं सो ये इस लाइन पर है दैट इज एम जी ठीक है ना तो आ, एम जी का एंगल देखना था आपने मिल गया आपको ये एंगल थीटा है सेम एंगल एज जस्ट तो ये एम जी थीटा आ जाएगा वो तो, तो पता ही था ना और इस तरफ कौन सा आ so, जाएगा एम जी साइन जाएगा वेरी गुड सो इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग किधर है एम जी साइन थीटा वापस खींचेगी ना ये क्रॉल करके ऊपर जाएगा एमजी साइन थीटा नीचे क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा द एंगल विल इंक्रीज एंड वॉट डेपन एम जी साइन थीटा विल इंक्रीज तो जो पुलिंग फोर्स है जो उसको नीचे लेके आना चाहिए ऊपर चढ़ना चाहता है तो उसको नीचे एम जी सी पुल कर रही है वो बढ़ती जा रही है तो वो चढ़ क्यों पा रहा था वो सोचो वाई डू वी वॉक वाई आर वी एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन सो वेयर वॉज अ फ्रिक्शन एक्टिंग वेयर वॉज अ फ्रिक्शन एक्टिंग द फ्रिक्शन नॉट एक्टिंग डाउनवर्ड द फ्रिक्शन एक्टिंग अपवर्ड कहां लग रही थी अपवर्ड लग रही थी क्यों अपवर्ड लग रही थी क्योंकि टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग डाउनवर्ड है मैंने बताया था मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि फ्रिक्शन हेट स्लिपिंग स्लिपिंग एंड सो इट एक्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ स्लिपिंग स्लिपिंग की टेंडेंसी नीचे है इस वजह से फ्रिक्शन कहाँ लग रही है ऊपर की तरफ लग रही है कहां तक वो मैक्सिमम चढ़ पाएगा अगर 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 ये एंगल एंगल ऑफ रिपोर्ट की तरह बिहेव करे ये एंगल एंगल ऑफ की तरह बिहेव करे मतलब ये एंगल थीटा की जगह अगर फाई हो जाए ये फाइव हो जाए अगर ये फाई हो जाए अगर ये एंगल फाइव हो जाए अगर ये एम जी साइन फाइव हो जाए तो ये फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाएगी इसके बियॉन्ड वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि इसके बियॉन्ड एम जी साइन थीटा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसको नीचे ले तो ये सारा कार्यक्रम एक बार फिर से किसके ऊपर आ गया मी पर आ गया कैसे पूरी क्वेश्चन लिख के देख लो मामला तो वहीं आएगा कि आपकी जो एम जी साइन फाइव है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है और जो एम जी कॉस फाइव है ये एंगल फाइव हो गया है सो एम जी कॉस फाइव जो है दैट्स इक्वल टू द नॉर्मल इधर वाली फोर्स बैलेंस अलॉन्ग टेंजेंट और नॉर्मल पे भी फोर्स बैलेंस दोनों को डिवाइड करके साइन फाइव अपॉन कॉस्ट फाइव टैन फाइव आ जाएगा क्योंकि एम जी और एम जी तो कैंसिल हो जाएंगे

जिसके बियॉन्ड वो नीचे स्लाइड कर जाएगा तो उसके बियॉन्ड वो जा ही नहीं सकता आपको वेच नॉट निकालनी है वो तो बस कुछ है ही नहीं ये ट्रायंगल आप यूज कर लो ये वाला ट्रायंगल यूज कर लो आप जो ना? ये जो ट्रायंगल है और इसके थ्रू आप निकाल सकते हो बहुत आसान है इट्स वेडी इजी देखो आ, ये पूरा ये पूरा ऐसे आपका बॉल है बोल बोल बॉल, बॉल, नॉट बॉल। इट्स अ बोल ये पूरा आपका इंक्लाइन प्लेन वाला बोल है और ये पूरा डिस्टेंस रेडियस है ये पूरा ठीक है रेस ये सब बिल्कुल सही है और हा कि ना ये पूरा यस और ये भी आर है दिस इज ऑल्सो आर यस सर और ये एंगल कितना है फाइव यस सर सो ये साइड कितनी है दैट इज आर कॉस एन ऑर्डर है ना ये काफी बार हम यूज करने वाले हैं इधर वाला चाहिए नहीं हमें फॉर वाला ये वाला चाहिए आर कॉस फाइव और आपको चाहिए क्या था बेसिकली एच नॉट ये चाहिए था एच नॉट कैसे है यहां से एच नॉट की वैल्यू कैसे मिल रही है आर में से किसमें आर में से अब आर कॉस फाइव को माइनस कर दें तो आपको एच नॉट की वैल्यू मिल जाएगी सो दच नॉट दैट्स मैक्सिमम हाइट जो कि हमें निकालनी थी क्वेश्चन में मेंस फाइव दैट्स आर माइनस आर कॉस फाइव बस आपको कॉस फाइव की वैल्यू चाहिए कहानी खत्म सो टेन फाइव तो मिल चुका है टेन फाइव तो मिल चुका है टेन फाइव कितना है मू

वन अपॉन अंडर रूड ऑफ वन प्लस म्यू स्क्टर दर एक्सप्रेशन फॉर इच्छ नॉट मैक्सिमम हाइट दिस कैन राइज वह एक्चुअली तो उधर ही जा रहा था पर हाइट निकालने को बोलिए सो कैन ट्रैक सही है ना थोड़ा उसको उम्मीद मिल रही है ना उम्मीद मिल रही है कोशिश है तो उसको जीवन में कोई मोटिवेशन मिल रही है चढ़ने की चढ़ेगा स्लिप हो जाएगा चढ़ेगा स्लिप हो जाएगा नॉट लाइक अ किंग्स ऑलोमन स्पाइडर वो तो फाइनली uh, जीत गया था ये नहीं जीत पाएगा कभी, कभी नहीं जीत पाएगा एंड uh, कभी बाहर नहीं आ पाएगा इट के नॉट कम आउट ओके सो नेक्स्ट वन इज अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फॉर यू अनदर इंटरेस्टिंग वन एंड दिस इज नोन एज अ चेन प्रॉब्लम थोड़ी जगह बनाते हैं थोड़ी जगह बनाते हैं राइट सो दिस इज नोन एज अ चेन प्रॉब्लम ओवर हियर एंड मेरे को ये चेन uh, प्रॉब्लम से बेहतर एक लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ ओवरहैन और डिज दिस एन ओवर हैंड प्रॉब्लम अब आपने देखा कि आप मॉल्स वगैरह जाते हैं तो आपने देखा होगा बड़े आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फ्रंट एलिवेशन होते हैं आपने देखा होगा बड़े सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर आप कोठी के आगे भी बनाते हैं एक आगे एक एक्सटेंशन निकाल देते हैं घर आपका यहाँ तक होता है आगे थोड़ी एक्सटेंशन होती है छत की है ना ऐसे रूफ की एक्सटेंशन होती हैं आपने देखा कि उसको तो सपोर्ट नहीं है फिर ऐसे झूल कैसे रहा है वो आगे की तरफ कैसे उसके नीचे सपोर्ट नहीं बाकी सब जगह क्या होता है पिलर्स होते हैं आपके घर में कॉलम्स होते हैं उन कॉलम्स के ऊपर आपके घर का ढांचा रखा हुआ होता है उसको वो एक्सटेंड कर रहा होता है आगे हालांकि कोई वर्चुअल सपोर्ट है उसके ऊपर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम ओवर हैंड बोलते हैं जो कि थोड़ा ओवर द एज हैंग कर रहे होते हैं सो माई लैंग्वेज फॉर दिस क्वेश्चन इज सपोज टू ओवर हैंड और uh, मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ में सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन है कि यू नीड टू फाइंड अ वैल्यू फॉर द मैक्सिमम ओवर देखो ये एक बहुत आसान से एक्सपेरिमेंट है बहुत आसान से एक्सपेरिमेंट है घर पर करके देखना आपके पास एक चेन है ना आपके तो पास एक चेन है और वो जो चेन है ये दिमाग में नहीं आया कि मैं आपके साथ ही करा दू चेन मिल जाती है मेरे को घर में कहीं से कहीं ना कहीं है ना तो मेरे पास एक चेन है और वो जो चेन है वो मैंने पूरी टेबल पर रखी हुई है पूरी टेबल पर रखी हुई है और अभी तो स्लिप नहीं कर रही है तो मैंने क्या करा उसका एक एक लिंक एक एक लिंक वर्टिकल करना शुरू कर दिया एक एक लिंक तो देखो जैसे इसके लिंक्स है ना इसको मैंने वर्टिकल करना शुरू कर दिया एक एक लिंक को जैसा लिंक्स हो वगैरह तो कभी ना कभी क्या होगा कि क्रिटिकल स्टेट आएगी उसके बियॉन्ड अगर एक भी लिंक आपने आगे करा उसके बियॉन्ड एक भी लिंक आपने आगे करा पूरी चेन नीचे स्लिप हो जाएगी समझ आ रही तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है कि तो वर्टिकल में जितना मास आ रहा है और हॉरिजॉन्टल में जितना मास आ रहा है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन उसके हिसाब से यह हो रहा है और भी किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है एंड दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीस टू सर्फेस बिटवीन डीज टू सफर उस पर भी डिपेंड करेगा ये मामला सो so, क्वेश्चन हमारा क्या है टू फाइंड अ मैक्सिमम ओवरहैंग कि मैक्सिमम कितनी पार्ट ऑफ द चेन हैंग इन कर सकती है अब वो मैक्सिमम बता दो दैट्स व्हाट वी वांट टू फाइंड मैक्सिमम कितना हो सकता है तो सिंपल सा सवाल है सिंपल सा सवाल है टोटल चेन की लेंथ एल है और मास एम है और उसका कुछ पार्ट लेट पार्ट इज दैट्स अ मैक्सिमम ओवरहैंग

सो एनथ पार्ट का एनथ पार्ट ऑफ द चेन एनथ पार्ट ऑफ द चेन का मतलब क्या हो गया दैट इज सो एल बाई एन का मास कितना हो जाएगा एम एन ये हो जाएगा ठीक है दैट इज एनथ पार्ट ऑफ द चेन वर्ल्ड मीटर की चेन है उसका थर्ड पार्ट सो वन थर्ड पार्ट हो गया तो मास भी तो एम बाई थ्री हो जाएगा क्लियर है कि नहीं है ठीक है ना वन थर्ड हो जाएगा ओके अब मैं क्या करना बहुत आसान तरीके से क्या करने वाला हूं देखो जितना पार्टी ओवरहैंग कर रहा है उसका एक नेट मास होगा उस मास को एम वन लिख लेता हूं और जितनी पार्ट ऑफ द चेन टेबल के ऊपर है उसको मैं एम टू लिख लेता करेक्ट और ये क्या है ये क्या है ये यहां ये मतलब चेन का पार्ट है ओके okay, यहां पे हो रहा है मजा यहां फोर्स का डायरेक्शन हो रहा है चेन जैसे पुली नहीं करती बिल्कुल उस तरीके से

तो बट डायरेक्शन चेंज हो गया इतना हॉरिजॉन्टल uh, इतना वर्टिकल वो टी तो सेम है ना वहां पर तो ये जो टी है अभी हॉरिजॉन्टल लग रही है ये वाली टी क्या लग रही है हॉरिजॉन्टल लग रही है यही तो इसको आगे खींचेगी ना यही तो चेन को आगे खींचनी थी लेकिन लेकिन जो फ्रिक्शन थी बिटवीन द टू सरफेस उसने शायद इसको रोक लिया और ये मैक्सिमम ओवरहैंग का केस है इसका मतलब इसके बियॉन्ड चेन नहीं रुकनी है इसका मतलब ये इंपेंडिंग मोशन का क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द इम्पेंडिंग मोशन इंपेंडिंग मोशन में जो फ्रिक्शन लगती है तो वहां पर टेंशन सेम थी जो टीवी कर लेते हैं हालांकि हालांकि डायरेक्शन में बदल गई ये टी इस पर वोडिकल लग रही होगी जो होवर एंकर है नीचे और ये टी अलोंग द सर्फेस लग रही है पर है तो सेम टी सो so, मैग्नीट्यूड में बराबर कर लेते हैं सो द मोमेंट यू इक्वल डेम सो आपको रिलेशन मिल जाएगा किसके बीच में वो एम वन जी और एफ एल तो इनको रिलेट कर लो सो लोल गेट एफ एल ओवर एज इक्वल टू एम वन इन टू जी अब आप कहानी को आगे बढ़ाइए अब लिमिटिंग uh, फ्रिक्शन क्या होता है टू एन कहां से आएगा सर एन आएगा एन आएगा यहाँ से सर ये देखो ये होगा एन हमारा ये एन होगा हमारा और ये सर किसके बराबर होगा वेट के जितना पार्ट टेबल के ऊपर है जितना पार्ट टेबल के ऊपर रखा हुआ है उस पार्ट का मास कितना है एम टू है सो तो नीचे वेट कितना है एम टू जी सो वॉट इज एन इक्वल टू एम टू जी पूरे चेन के मास को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा एम वन वो वाला मास है जो कि वर्टिकली ओवर एंकर है और एम टू वो वाला मास है जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ है मैंने इसको सिंपल करने की कोशिश करी सो एन वैल्यू कितनी होगी दैट इज इक्वल टू

ट पार्ट ऑफ लेंथ कितनी है तो लेंथ होगी वो कितनी होगी जो टेबल पे होगी एल में से माइनस कर लेंगे so, जो है, वो उसी का मास है। so, कितना हो जाएगा दैट शुड बी एम अपॉन एन सो एम वन की जगह आई कैन प्लेस एम अपॉन एन एन डिवाइडेड बाई एम टू की जगह बाकी बैलेंस मास है।

अब देखो मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ले इसका मतलब म्यू जो हमने लिखा दैट इज इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू इट ऑल्सो बी रिटर्न टू वाई अपॉन एल माइनस वाई बिकॉज इज इन प्रोपोर्शनल टू द लेंथ सो एम वन मास पार्ट ऑफ द चेन और एल माइनस वाई पार्ट ऑफ द चेन का मास कितना है एम टू दैट इज वाई अपॉन एल माइनस वाई इस तरीके से लिख सकते हो और वाई कितना है फिर उसको एल बाई एन लिख लो

you can also write that is mu into l minus mu into y is equal to y like this question kabhi bhi apne rang badal sakta hai to hum har kism ke question le lete hain so that is mu into l equal to mu plus 1 into y so therefore y becomes equal to mu into l upon mu plus 1 ye aapka result ho gaya for the maximum overhang y kya tha iske andar maximum overhang that's mu into l upon mu plus 1 Let's say for example, mu key value we have given as 0.25. So can you calculate the value for the y maximum? We can easily. So the y maximum will be equal to how much? That is 0.25 into L upon 0.25 plus 1. Correct. So that becomes equal to 0.25 upon 1.25 into L. So the value becomes equal to L upon uh, 5. so that's l upon 5 as your value that's the value for the y maximum and y maximum is how much that is l by n. y maximum kitna hai that is the l by n. so iska matlab agar y maximum l by n hota so that is l by n equal to l upon 5 to iska matlab n ki value kitni hai 5 aa gayi hai to cross check kar lo क्रॉस चेक कर लो इस फॉर्मूले से किससे mu से mu कितना निकाला आपने वन upon n minus वन cross चेक

एंगल गिवन है थर्टी सेवन डिग्रीज एंड ब्लॉक जिसका कितना है है और जो म्यू की वैल्यू गिवन है प्लेन डॉट मूव ओके ना व्हाट्स द क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन से फाइंड अ कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड

बिल्कुल है पर इन किसके बराबर है एम जी के बराबर है और बाकी फोर्सेस फोर्स वेयर डाउन द प्लेन सो वी दिन डाउन द प्लेन और क्योंकि टेंडेंसी ऑफ द स्लाइडिंग नीचे होगी द फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट अप द प्लेन बट द क्वेश्चन इज वॉट इज द नेचर ऑफ फ्रिक्शन वॉट इज द नेचर ऑफ फ्रिक्शन सो चलो फाइंड आउट करते हैं अलग से अलग से पहले क्या करते हैं

theta mg sine theta is sir, greater than the friction force is greater than limiting friction which means the block slides which means the block slides and and there will be acceleration in the block and so the nature of the friction so the block slides so block slides and therefore the nature of the friction is supposed to be kinetic और जो कि अलग अलग वैल्यूज ना दे रखी हो म्यूएल और म्यू के की तो मैंने आपको समझाया था तब आप दोनों की वैल्यू एक ही पर लिखा ही नहीं कि है कि है, या तो अलग अलग वैल्यू नहीं दी सेम वैल्यूलटिकल सो सो इन दिस क्वेश्चन वेन द क्वेश्चन इज आस्किंग द कॉन्टैक्ट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे मिलती है अंडर रूट ऑफ एन स्क्र प्लस एफ स्क्वेयर से पर इस समय जो फ्रिक्शन है वो कौन सी है काइनेटिक है दैट्स द की पॉइंट पहली तो गलती कि आप सिर्फ hmm. आर को एन मान लेते परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी कि आप नेचर ऑफ फ्रिक्शन पे ध्यान नहीं देते हमने दोनों कार्यक्रम सही करे हैं सो वी आर गोइंग टू गेट द करेक्ट रिजल्ट एंड दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना है एन कितना है एन ही रख ले और एफ को कैसे लिख ले म्यू इंटू लिख लेते सो आई थिंक दैट बिकम्स इक्वल टू एन कॉमन आउट एंड अंडर पहले बनाया भी था ना ऊपर की तरफ देखें ऐसा हमने देखा भी था कि नेट रिएक्शन फोर्स कितनी आएगी ओ काफी कुछ पढ़ा दिया ना ये वाली देखो है ऐसे है ना देखा था हमने है ना देखा था ओके फाइन तो चलो हमने कोई रट्टा नहीं मारना है हमने डेर एंड देन क्वेश्चन के मेरिट पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हमने चेक इन करा ब्लॉक एक्चुअली स्लाइड कर रहा था तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी काइनेटिक और फिर रिजल्ट आपको मिल गया और ये एक्सप्रेशन बन गया अगर आप याद करना चाहे कौन याद करे सीधा ही अप्लाई कर लेते हैं आर कितना अंडर ऑफ एन प्लस एफ के स्क्र एन की वैल्यू निकाल चुके हैं हम एट है और फ्रिक्शन uh, कितनी आ रही है एफ के अभी हमने किसके बराबर लिया है एफ एल के और वो वैल्यू हमने फोर पॉइंट एट न्यूटर निकाली हुई है सो दैट इज बेसिकली एज एट स्क्र प्लस फोर पॉइंट एट स्क्र दैट थोड़ा सा कम ही होगा उससे नियरली सो दैट इज अराउंड एट्टी एट ये वैल्यू आप निकाल लो नाइन स्क्टी वन होता है एट्टी एट हंड्रेड पॉइंट फोर नाइन पॉइंट फाइव के बीच में वैल्यू आएगी सो अराउंड नाइन पॉइंट फोर न्यूटन वैल्यू आ जाती है so तो तो एक बार और कराऊंगा क्वेश्चन क्यों सर बिकॉज कराना है कराना बनता है क्योंकि तो नहीं तो नॉलेज पूरी नहीं होगी और अगला क्वेश्चन जब आएगा तो शायद आप गलत कर जाएंगे देखो ये एंगल थर्टी सेवन डिग्रीज गिवन है और ये ब्लॉक जो है इसका मास अभी भी वन के है और म्यू की वैल्यू अब जीरो पॉइंट एट है ये क्वेश्चन में चेंज है बाकी सवाल सेम है द क्वेश्चन इस सिलसिला सेम वी नीड टू फाइंड अ वैल्यू फॉर द कॉन्टैक्ट फोर्स आपको कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो चलो करें किस बात की देरी है नॉर्मल लगाते हैं पहले परपेंडिकुलर टू द सर्फेस किसके बराबर आएगी एम जी कॉस्टिडा के बराबर आएगी उसमें कुछ नहीं बदला है मास अभी भी वन है जी अभी भी टेन है कॉस्ट थर्टी सेवन अभी भी फोर बाय फाइव है तो ये वैल्यू अभी भी एट न्यूटन के बराबर है तो बदला क्या है बदली है फ्रिक्शन तो तो की वैल्यू क्योंकि अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट इज म्यू इन टू एन की वैल्यू बदली है एन की वैल्यू सेम है और दैट्स पॉइंट एट इन टू एन होता है और दैट्स सिक्स न्यूटन फ्रिक्शन so, की ताकत बढ़ गई है एन की वजह से नहीं बढ़ी है एन सेम था friction की की ताकत बढ़ी है 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 right? okay. so, फिर फिर हमने 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 क्या करना है? फिर हमने चेक करना है, MG sin theta, की हारा तो हमने MG sin theta को चेक करा उसके अंदर ना मास बदला है ना थीटा बदला है तो मास की वैल्यू कितनी है के तो ये आ रही है इस बार इस बार इस बार हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स है जो फ्रिक्शन फोर्स है वो जीत गई है वो फ्रिक्शन फोर्स जीत गई है वो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है MG के है थीटा वैल्यू जो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आ रही है इसका मतलब जो नेचर ऑफ द फ्रिक्शन है वो क्या है लिमिटिंग गलत नेचर ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं है नेचर ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक है बराबरी का मामला नहीं है जब एमजी साइन थीटा लिमिटिंग के बराबर होगी तब बोलेंगे ना लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी तो पूरी फ्रिक्शन टेस्ट ही नहीं हो पाई है तो एम जी साइन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब ब्लॉक स्टैटिक है इंपेंडिंग मोशन की स्टेट में नहीं आया स्टैटिक है तो फ्रिक्शन कौन लगेगी स्टैटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन मजेदार होती है वो एफ के बराबर नहीं होती वो दुश्मन को देख के अपना आकार अपना रूप ढंग बदलती है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स द स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कितनी है एम जी साइन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम जी थीटा और एम जी साइन थीटा कितना है से सही है ना छूटन एम जी साइन थीटा नीचे लगी तो फ्रिक्शन रोकने के लिए ऊपर भी तो छे न्यूटन ही लगाएगी ना ज्यादा थोड़ी लगाएगी बेवकूफ थोड़ी है फ्रिक्शन समझदार है कई बार इसको लेजी फोर्स भी बोलते हैं लेजी फोर्स मतलब उतनी फोर्स लगाती है जितनी लोड हो जरूरी हो उससे ज्यादा एक परसेंट भी नहीं लगाती इज आल्सो आल्सो नोन नोन एज एज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अ लेजी फोर्स ये लेजी फोर्स के लिखा हुआ नहीं होता है मेरी तरफ से आपको राइट सो फ्रिक्शन कितना है दैट इज इक्वल टू न्यूटन आ गया अब क्या करना है कॉन्टेक्ट फोर्स लिखना है उसका द फॉर्मुला पुराना है एज इक्वल टू एन स्क्स एफ एम प्रॉमिसिंग समथिंग इज कमिंग योर वे क्या समथिंग इज कमिंग यूर वे चेक करते हैं वॉट इज कमिंग माई वे दैट इज एन स्क्र प्लस एफ एस स्क्र लिखा मैंने चलो लिखते हैं और दैट इज एन स्क्स एफ एस स्क्र एन की वैल्यू कितनी थी एट एट का स्क्र एफ एस कितना गलती से गलती से ये बहुत बच्चे कर लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू डाल देते हैं पहले तो अव्वल फॉर्मूला याद नहीं होता और जब फॉमूला याद होता है अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर तो एफ में गड़बड़ करके आ जाते हो आप करना मत बिल्कुल मत करना क्योंकि मैंने सिखा दिया कितनी वैल्यू आ रही है छह न्यूटन वैल्यू न्यूटन आ गई है 10 सोकी हो देखो पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन आ रही थी थोड़ी सी इसमें सौखी हो गई दस न्यूटन पर आपको उसको समझ नहीं आया कि दस न्यूटन है क्या आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैं अब आपको, समझ आपको समझाता हूँ कि यह है क्या मामला जो रिएक्शन की वैल्यू है दैट इज अंडर ऑफ एन स्क्वायर स्क्वायर प्लस एफ एफ पर कौन सा स्टैटिक सही है सर रिपीट हो रहा है तो कोई बात नहीं एन की वैल्यू कितनी है सर एम जी थीटा वेरी गुड एक्सेलेंट और सैटिस्टन म्यू तो एन, गलत गलत FS के अंदर ये नहीं लगता है ये बता बता के थक चुका हूं आप भी सुन सुन के पक चुके हैं तो एफ एस की वैल्यू म्यू एन टू तो एन के बराबर नहीं है किसके बराबर है एक्सटर्नल फोर्स के बराबर एक्सटर्नल फोर्स कितनी है एम जी थीटा इस सवाल में इस सवाल में इस क्वेश्चन में कितनी है एम जी थीटा

फील नहीं कर पाते जब तक मैं फील कराऊ ना इसका मतलब यहाँ पे एक मजेदार घटना घटी है और वो मजेदार घटना क्या घटी है वो आपको देख के पता चलेगा डियर डियर ये जो ब्लॉक था ये जो ब्लॉक था जो कि स्टैटिक स्टेट में था फ्रिक्शन कहाँ लग रही थी ऊपर क्योंकि टेंडेंसी स्लाइडिंग नीचे थी कौन से फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर लग रही थी वेरी गुड नॉर्मल कहां लग रही थी इधर लग रही थी दिस वॉज अ नॉर्मल सो रिएक्शन फोर्स कहां आनी थी सर रिएक्शन फोर्स आनी थी बाय द पैरोग्राम वेक्टर आप इसको प्रॉपर स्केल करो अगर आप इसको प्रॉपर स्केल करोगे तो अगर ये एंगल के हिसाब से प्रॉपर स्केल करोगे तो रिएक्शन क्योंकि इन दोनों के बीच में आनी है इस केस में इस केस में द रिएक्शन विल कम कंप्लीटली वर्टिकल आनी तो दोनों के बीच में ही है ना पर इसमें प्रॉपर वर्टिकल आ रही है ही तो आर एम जी के बराबर आ रहे हैं स्पेशल केस व्हेन द रिएक्शन इज एक्टिंग वर्टिकल वैसे कहीं भी लग सकती थी एन एफ एस के बीच में कहीं भी लग सकती थी एनी anyway, पर यह प्रॉपर ऊपर लग रही है ये प्रॉपर ऊपर लग रही है मतलब ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल आपका यहां पर कितना है थीटा के बराबर है

ये इधर भी लग सकती थी सर इधर लग सकती थी इधर लग सकती थी कहीं भी लग सकती थी लेकिन कहां लगी सर ना उधर लगी ना उधर लगी कहां लगी ओ सर इट एक्टेड वर्टिकली आप कब वो? वो मैंने केस समझा दिया। केस समझा समझा दिया दिया है अगर वो स्लाइड कर रहा होगा फिर नहीं अगर वो स्लाइड कर रहा है फिर नहीं कब जब वो स्टैटिक है तो फिर आर जो है वो वर्डिकली ऊपर लगेगी और एम के बराबर उसका सीधा आंसर होगा सोचो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपने पेनलेस क्वेश्चन हो गया सीधे एमजी लिख देना रिएक्शन की वैल्यू नहीं तो कैसे निकालते हैं धीरे धीरे बढ़ती है धीरे धीरे बढ़ती है बिना चीजों को स्किप करे बढ़ती है तो उसमें टाइम लगता है समय लगता है राइट right, तो आगे बढ़ते हैं एंड वी ब्रिंग अप ऑन नाउ द इंक्लाइन प्लेन कंडीशन कंडीशन क्या है कि अब जो थीटा है जो थीटा है जो एंगल ऑफ इंक्लाइन है वो फाइव से जा रहा है इसका मतलब ये स्लाइड करेगा So, क्या स्लाइडिंग हो रही है यस सर स्लाइडिंग हो रही है ये वाला मामला है कि सर स्लाइडिंग हो रही है हो इसको कैसे आएगी? Sir, देखो, MG नीचे लगेगी। और फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगी सो नेट फोर्स नीचे लगेगी एमजी साइन डेटा नीचे लगेगी फ्रिक्शन ऊपर लगेगी नेट फोर्स नीचे लगेगी तो ये नीचे एक्सेलरेट करेगा so, हमारा आर्टिकल वही है एक्सेलेशन डाउन प्लेन एक्सेन डाउन प्लेन और उसके लिए फ्री बॉडी कंस्ट्रक्ट करी हमने तो फ्री बॉडी में एक फोर्स ये नीचे की तरफ आई व्हाट इज एमजी सिर्फ टेंडेंसी से ज्यादा है तो इस कंडीशन में वो स्लाइड करता है और नीचे की तरफ तो कर भी रहा है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी कौन सी फोर्स लगेगी फ्रिक्शन पर कौन सी बाली काइन कर रहा क्योंकि जैसे हम रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं हमारी गाड़ी आगे जा रही होती है

और लिमिटिंग पे आपको फॉर्मूले लग जाते हैं स्टैटिक पे नहीं लगते हैं स्टैटिक सामने वाले को देख के आकार बदलती है सो द वैल्यू फॉर इक्वल टू वॉट एम जी द वैल्यू फॉर द एन ओवर सो देर फोर दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज मू इंटू एन सो म्यू इन टू एन सो म्यू इंटू एम जी कॉस्टिडा एक्सिलेंट अब हम ये कह रहे हैं कि ब्लॉक नीचे एक्सेलेट है एक्सेलेशन एज्यूम करो ए है आपको ए निकालनी है कहाँ पे डाउन द दा प्लेन ए डी लिख लेते हैं दैस एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन और अब तो मामला बहुत साफ है कि आप न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन डाउन द प्लेन लगाओगे एम जी साइन टेडा ज़्यादा होनी चाहिए फ्रिक्शन से तभी ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा सो द इक्वेशन गोज लाइक दस इक्वेशन गोज लाइक दिस वी हैव एम जी साइन टेडा माइनस ऑफ दिस फ्रिक्शन दैट्स फ्रिक्शन शुड बी एम ए अगर ये फ्रिक्शन सर्फेस होता तो फिर क्या होता है एफ के की वैल्यू जीरो होती तो एम जी इक्वल टू एम ए आ जाती तो फिर ए की वैल्यू जी सेंटीडा आ जाती पता है हमें ये बात लेकिन क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन है तो इस वजह से ए की वैल्यू जी सैंटीडा से कम आएगी लेकिन होगी एक्सेलरेशन ही ए का स्टेटस एक्सेलरेशन ही है वैल्यू फॉर द फ्रिक्शन सो फ्रिक्शन कितनी है म्यू एम जी कॉस्टेडा सो म्यू एम जी कॉस्टेडा इज इक्वल टू एम ए क्या है डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन एम कैंसल्ड है वापस काइनामेटिक्स में एंटर कर गए जी इन टू साइन से ज्यादा होगी जनरली ना म्यू वैल्यू वैसे भी लेस वन होती है जनरली सो म्यू कॉस्टेडा की वैल्यू कम आ जाएगी सो साइन थीटा ज़्यादा होगा तो ए डी पॉजिटिव आएगी अलॉन्ग द मोशन है इट विल बिहेव एज एन एक्से उससे स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी सो एज अ ब्लॉक कम्स डाउन सो एज अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन सो द वैल्यू फॉर क्योंकि केस किसका है कि एंगल एंगल ऑफ रिपोर्ज से रहा है ठीक है ना सो so, एंगल ज्यादा है तो थीटा बहुत कम होगा है ना क्योंकि एंगल ज़्यादा है ना एंगल ज़्यादा होने से थीटा कम आता है तो इसलिए म्यू ऑलरेडी वन से कम है तो म्यू कॉस्टिडा का प्रोडक्ट क्या आएगा

ओके okay, तो कि फ्रिक्शनस हो ऐसा तो नहीं होगा सो so, जब स्पीड का मुद्दा आ ही गया है तो हमने कहा फिर उसका एक्सप्रेशन भी बना लेते हैं तो ये मेरा बॉक्सेस हाइट पर है फिलहाल ये साइड पर है इस साइड पर और यहां से इसको छोड़ दिया रिलीज कर दिया तो जीरो है तो यू उसकी ज़ीरो है रिलीज कर दिया है और वो नीचे आ रहा है तो कितना नीचे आ रहा है वो लेंथ हम एल ले लेते हैं इसका कमिंग डाउन एल सो जब वो नीचे पहुंचा यहाँ पे तो उसकी स्पीड कितनी होगी यहाँ पर यह आपको फाइंड आउट करना है सो वेरी इजी क्वेश्चन है वेरी इजी क्वेश्चन है और ये फ्रिक्शन प्लेन है फ्रिक्शन प्लेन है मतलब यहाँ पे ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू है स्मूथ प्लेन नहीं है रफ प्लेन है तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आप सेकेंड ही क्वेश्चन अपलाई कर सकते हैं और लगा सकते हैं सेकेंड क्यों लगाए टाइम थोड़ी थर्ड ही क्वेश्चन लगाएंगे सो वी शुड है बड़े आराम से आपको वी की वैल्यू मिल जाएगी रीजन क्योंकि जो एक्सेलरेशन आपने बनाई है ना ऊपर

एम जी थीटा नीचे थी म्यू एम जी कॉस्टेडा ऊपर थी तो एक्सेलरेशन बिकम जी साइंटेडा माइनस थीटा थोड़ा दिमाग में अपने आप ही फिट होना शुरू हो जाएगा द मोमेंट यू प्रैक्टिस हाँ पहली बार जो डर आपको लगेगा यार कितनी है दूसरी बार भी लग सकता है तीसरी बार थोड़ी इजीनेस होगी चौथे पांचवें क्वेश्चन में आप चढ़ जाएंगे इसके ऊपर है ना सो ई डी की वैल्यू मिल गई है अब इसको प्लेस कर लेते हैं एस कितना है और दैट इज अ डिस्टेंस विच इज अलॉन्ग द प्लेन अलॉन्ग द प्लेन डिस्प्लेसमेंट या अलॉन्ग द प्लेन डिस्टेंस क्योंकि डायरेक्शन तो बदला नहीं है कुछ भी बोलो तो एल है So, therefore, V square becomes equal to as uh, 0 plus uh, twice of AD and L. So, V basically becomes root of twice of AD into L, and the question stands over. So, that is under root of 2 into G into sine of theta minus mu cos theta and into L. So, that becomes your expression over there. That is your expression. सो प्रडी मै सिंपली डन ओवर देयर आप चाहे तो अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि एच हाइट से रिलीज करा था तो फिर नीचे स्पीड कितनी होगी तो आप साइन टेटा की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं वहाँ पे यू कैन प्लेस द वैल्यू फॉर द साइन टेडा एंड ओवर देयर एंड यू कैन गेट इन द रिजल्ट दैट सी द साइन टेटा फ्राम देयर विल भी फ्रॉम दिस डायग्राम विल बी एक्चुअली एच अपॉन एल साइन टेडा वैल्यू सो कैन ऑल्सो भीटर्न एज वैसे आंसर परफेक्ट है अगर आपको एल के बने एल नहीं के बने तो फिर

ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ काइंडार्मुल है जी की जगह ईडी आ गया एक्सेलरेशन जो है और उस डायरेक्शन में जितनी डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकली नीचे गिरता है तो वर्टिकली एच डिस्प्लेसमेंट होती है ये अलॉन्ग प्लेन मूव कर रहा है तो अलॉन्ग प्लेन डिस्प्लेसमेंट एल है वर्टिकली नीचे गिरता है तो एक्सेलरेशन जी होती है ये अलॉन्ग प्लेन स्लाइड कर रहा है तो एक्सेरेशन ईडी के बराबर ओके सो दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी वर्किंग अपॉन एज ऑफ जी इंटू एच माइनस ऑफ म्यू इन टू अंडरवुड ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लाइक दिस इज द रिलेशन फिर इसमें एल हालांकि वापस आ गया है। मतलब इस फॉर्म में भी क्वेश्चन लिख सकता है मतलब एंगल मिसिंग है तो फिर ये रिलेशन इस तरीके से काम कर सकता है राइट right? चलो गुड अब एक और पार्ट पूछा हुआ है काइनामेटिक्स की बात हो रही है तो फिर टाइम कैसे पीछे छूटेगा टाइम भी निकालने को बोला हुआ है सो वेटी मच सेकेंड इक्वेशन हम पहले ही लगाने लगे थे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वेश मोशन अलाउड है आपको लगाना रीजन क्योंकि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है यूनिफॉर्म है इस वजह से एस कितना है एल के बराबर है डिस्टेंस अलॉन्ग द प्लेन इनिशियल स्पीड जीरो थी सो प्लस हाफ इंटू एक्सेलिशन डाउन द प्लेन इंटू टी स्क्र एंड ईजिल वी कैन कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर द टाइम सो फ्रॉम द डायनिक्स व माइग्रेटिंग इंटू काइनामैटिक्स वंस अगेन ये बातें जुड़ी हुई होती है एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन दो मैके

इज़ यर एक्सप्रेशन एनी टाइम एनी टाइम इफ द सर्फेस इज स्मूथ एनी टाइम विथ द सर्फेस इज स्मूथ सो मूज जीरो हो जाएगा तो टाइम का एक्सप्रेशन फिर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा ठीक okay, है ओके हालांकि उस केस में टाइम ज़्यादा आएगा कि कम आएगा तो ये तो बहुत नॉमिनल सा क्वेश्चन है कि एक्सेलेशन uh, ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा फिर टाइम कम लगेगा सो स्मूथ प्लेन पर हमेशा टाइम कम लगेगा और इन्क्लाइन प्लेन पर टाइम और रफ प्लेन पर रफ इनक्लाइंट पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा ऐसा भी क्वेश्चन शायद हमारे जीवन में आ जाएगा है ना फिलहाल के लिए इज एन आर्टिकल प्रोजेक्टेड अप द प्लेन ऊपर भेज रहे हैं क्या करें ऊपर की तरफ भेज रहे हैं इस प्रोजेक्टेड अप द प्लेन तो हमने क्या करा नीचे ये जो हमारा ब्लॉक था द ब्लॉक ओवर इसको कुछ स्पीड देनी पड़ेगी अपने आप तो जाएगा नहीं जादू दुनिया तो है नहीं अपने आप तो जाएगा नहीं तो हमने इसको स्पीड दे दी ऊपर प्रोजेक्शन स्पीड और प्रोजेक्शन स्पीड जो है जो हम इसको दे रहे हैं लेट्स से दैट इज इज टू टू बी वी नॉट इनिशियल स्पीड प्रोवाइडेड अब देखते हैं मजे लेते हैं कि भाई अगर हमने इसको यहां से धक्का दिया तो कहां तक जाएगा अरे रुक गया ये तो रुक ही गया ये धक्का दिया अरे रुक गया ये देखो क्या मजेदार है देखो ऐसे धक्का दिया ये तो रुक गया तो मतलब फ्रिक्शन है है वो रोक रही है उसको ये देखो रुक गया ये रुक कैसे गया यार थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करा मैंने धक्का दिया थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करा लेकिन रुक गया सो फाइनली स्टॉपिंग क्यों फ्रिक्शन है फ्रिक्शन है

फोर्स को अपोज नहीं करती है किसको अपोज करती है मोशन को रिलेटिव मोशन को डाउन तो सर पहले से हाँ, तो समझा रहा था फ्रिक्शन फोर्स को अपोज नहीं करती है ना कर दिख सो देखो एम जी साइंटेटा नीचे लगा दो गलती गलती, गलती. आप मुझसे तोनी पड़े फिर है ना तो मोशन क्या है ऊपर है तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्या लगेगी ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन डाउन द प्लेन डाउन द प्लेन

और एन कितना है एम जी है. So right? so तो है? है ही नहीं, कितनी फोर्स है? है ही नहीं. तो, तो हमने धक्का दे दिया था ना उसके बाद तो उसको वंचित कर दिया फोर्स से ऊपर की तरफ फोर्स ही नहीं छोड़ी देखो वो पहले मैंने हाथों से फोर्स लगाई इसको भेजा लेकिन जब इसको भेज दिया तो फिर तो छोड़ दिया ना फिर तो हवाले कर दिया ताही तो बाकी फोर्सेस इस पे हावी हो गई एम जी साइन ठेडा भी नीचे लग गई फ्रिक्शन भी नीचे लग गई मोशन ऊपर हो रहा था फ्रिक्शन नीचे लग गई दोनों फोर्सेज मिलकर रोक रही है बेचारे को रोक रही है कह रही आगे मत जाओ रोको रुक जाएगा थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा ऊपर पहुंचेगा और यहां जब पहुंचा तो रुक गया बेचारा सारी हवाएं इसके विरुद्ध थी सब कोई इसके विरुद्ध था उसको हेल्प ही नहीं कर रहा था कोई बेचारा कि ऊपर जाके रुक जाएगा कोई डिस्टेंस वेस्टेंस ट्रैवल करेगा और रुक जाएगा जिससे डिस्टेंस से ट्रैवल्स एंड देन स्टॉप्स आपको वो डिस्टेंस निकालना है व्हाट इज दैट डिस्टेंस एल ताकि वो रुक जाए फाइनल स्पीड उसकी इस बार जीरो हो जाएगी ये क्वेश्चन बनेगा रिटार्डेशन आएगी अप द प्लेन अप द प्लेन इस बार रिटार्डेशन आएगी क्या आएगी तो रिटार्डेशन आएगी गुड माइडियर Redardation आएगी, redardation आएगी, कैसे दोनों ऊपर so फोर्स ही नहीं है ऊपर फोर्स जीरो है एम जी साइन थीडा भी नीचे फ्रिक्शन भी नीचे लेकिन मोशन ऊपर इक्वेशन कहां लिखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन सो द फोर्स जीरो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस बाकी दोनों फोर्सेज इक्वल टू एम ए यहां से पता चलता है कि बेसिकली ये रिटार्डेशन का है पिछले वाले केस में वो क्या था एक्सेरेशन था अभी क्या आ रही है रिटार्डेशन आ रही है जीरो माइनस एम जी साइन सपोज टू बी इक्वल टू एम ए एम गेट्स कैंसल्ड आउट क्वेश्चन कहाँ एंटर कर गया है एंटर्स इनटू द काइनेमेटिक्स माइनस जी कॉमन है Explaining as a retardation, and therefore the block eventually rests. Par eventually, it comes to rest. So that is minus of g common sine theta plus mu cos theta. So this is retardation, my dear. It's a retardation. So when the block is projected up, it always experiences a retardation. राइट सर सो अब क्या करना है सर टाइम निकालना है कि फाइनली वो ऊपर किस समय पहुंचा सो वट वॉज अ टाइम सो दैट कैन इजिली बी डन बी इज इक्वल टू यू प्लस ए डी जिस समय वो ऊपर पहुंचा फाइनल स्पीड जीरो होगी इनिशियल स्पीड वी नॉट गिवन थी और माइनस ऑफ ए इंटू टी क्योंकि वो वैल्यू वैसे तो आप लिखेंगे प्लस पर ए यू क्या आएगा बेसिकली माइनस सो प्लेस कर लो सो दैट इज वी नॉट माइनस ऑफ जी इन टू theta थिएटा प्लस म्यू कॉस्टेडा दो बार नेगेटिव मत लगा देना गलती से t which you will be getting as equal to इक्वल डू वी नॉट अपॉन जी कॉमन साइन ऑफ थिएटा प्लस म्यू इस इसने टाइम के बाद ये ब्लॉक अपनी जर्नी समाप्त कर लेगा रुक जाएगा वहाँ पे उसके आगे की जर्नी के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं करा है ये अभी वहाँ पे जाके रुक जाएगा इंस्टेंटली रेस्ट पर आ जाएगा तो हमें वही निकालना था कि कितने टाइम पे वो जाके इंस्टेंटली रेस्ट पर आ जाएगा नीचे वापस आएगा कि नहीं आएगा सुनिएगा नीचे वापस आएगा कि नहीं आएगा ये इस कहानी पर डिपेंड करेगा कि जो एंगल है वो रिपोस से ज्यादा है कि कम देखो ऊपर तो हर हालत में जाएगा क्योंकि हम भेज रहे हैं एनर्जी देकर नीचे आना कंडीशनल है अगर अगर एंगल एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हुआ ये थीटा की जो वैल्यू है ना यहां पर ये अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हुई तो फिर तो ब्लॉक वापसी आएगा लेकिन अगर ये एंगल एंगल ऑफ रिपोज से कम रह गया तो वो वापसी नहीं आएगा ऊपर हमेशा के लिए सदा के लिए रेस्ट पे आ जाएगा ठीक है तो अभी फिलहाल हम सिर्फ ऊपर वाली जर्नी का ही क्वेश्चन करें हमें एल फाइंड आउट करना है तो वो भी निकल जाएगा अब सारे सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन जो लगाओ थर्ड लगा लेते हैं सो वी स्क्वेल टू यू स्क्ट ट्वाइस ऑफ एस

दैट इज अ डिस्टेंस इट ट्रैवल्स अप द प्लेन बिफोर इट कम्स टू दैट इंस्टेंट रेस्ट आगे पता नहीं नीचे आएगा कि नहीं आएगा देट अ क्वेश्चन आस्ट वन डे तब हम उसके बारे में दिमाग लगाएंगे अभी क्यों लगाए है ना सर so, दोनों केसे बताएं मैंने आपको अप द प्लेन वाला भी और डाउन द प्लेन वाले भी अप द प्लेन डाउन द प्लेन ठीक दोनों के एक्सेलेशन डिफरेंट है इनफैक्ट पहले वाले केस में इट वॉज फीलिंग एन एक्सेरेशन एट इट इज कमिंग नाउ इनफैक्ट इट इज कमिंग नाउ ना

कैसे ओ, स्मूथ करके हमने क्या करा जो आधा प्लेन है ना यहां पे आधा आधा उसको स्मूथ कर दिया सो हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेन है सब उसे भी स्मूथ हो गए और नीचे इट इज सरफ नीचे इट इज सरफ करेक्ट ऐसे तो क्या होगा अगर, अगर आप इसको रिलीज भी करोगे तो भी इस पर एक्सेलरेशन आ रही है वो तो सर आती है आ रही है तो ये जब नीचे यहां पहुंचेगा इस पोजिशन तक इसकी स्पीड आ जाएगी तो स्पीड को भी रख लेते हैं कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे कितना एल बाय टू लिखना एल बाय टू इक्वल है तो आप एल एल भी लिख सकते हो एल बाय टू लिखना एल लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता है इक्वल डिस्टेंस है तो मैं एल ही लिख लेता हूं इजी रहेगा ठीक है राइट right? तो so, मतलब प्लेन की लेंथ टू एल होगी फिर ये यह यहां से आगे मूव करेगा यहां पर कहानी है यहां पर कहानी क्या सुनिएगा अगर ये जो एंगल है ये वाला लिखूं। अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होता है सुनना ध्यान से अगर ये एंगल ऑफ रिपोर्ट से ज्यादा होता तो इसकी स्पीड और नीचे बढ़ेगी और नीचे बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन आएगी तो स्पीड बढ़ेगी पर ये क्वेश्चन रेस्ट टू रेस्ट है बोले रेस्ट से शुरू हुआ क्वेश्चन कहता है कि जब ये नीचे पहुंचा जब ये नीचे पहुंचा तो ये वापस उसकी स्पीड जीरो हो गई फाइनल स्पीड बिकम्स इक्वल टू जीरो बीच में वी नॉट थी जो कि इसकी मैक्सिमम हुई बाद में जीरो हो गई है कितने डिस्टेंस पे वापस एल डिस्टेंस ट्रेवल करा है इसने जीरो ये ताही पॉसिबल है अगर इसको रिटार्डेशन मिली हो। क्या मिली हो रिटार्डेशन मिली हो इसका मतलब प्लेन नहीं चाहता था कि ये नीचे आए इसका मतलब जो एंगल होगा ना थीटा वो एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा तभी ऐसा होगा तभी रिटारेगी नहीं तो नीचे आते समय क्या आती है एक्सेलरेशन आती है तो स्पेशल केस है ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर बात को अगर ये इतना दिमाग नहीं भी लगाते तो भी शायद ये क्वेश्चन हो जाता पर दिमाग मैंने आपको रुझा दी है समझा दी है कि नीचे आते समय अगर इनिशियल स्पीड जीरो होती ना तो और एंगल एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होता तो वो आराम से नीचे आ जाता इनिशियल स्पीड जीरो होती एंगल ऑफ रिपोज से एंगल कम होता तो नीचे आता ही नहीं लेकिन इस बार स्पीड पहले से गेन करवा दी स्पीड पहले से गेन करा दी स्मूथ पार्ट से लेकिन अब वो जो नीचे आ रहा है अब उसकी स्पीड कम हो रही है तो वो तभी हो सकती है जब प्लेन नहीं चाहता कि वो नीचे आए इसका मतलब एंगल जो होगा वो एंगल और रिपोज से कम है तभी वो ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है आ रहा है पर उसकी स्पीड कम हो रही है अदरवाइज स्पीड क्या होती नीचे इंक्रीज करती पर अब स्पीड कम होगी क्योंकि प्लेन नहीं चाहता है मतलब उसका एंगल जो है एंगल और रिपोज से कम है चलो ओके okay, फाइन चलो फिर अब ये दो पार्ट में क्वेश्चन होगा और आपका क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है आपको म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है नीड टू फाइंड अ वैल्यू फॉर द म्यू इन रिलेशन विद द थीटा थीटा के फॉर्म में आपको म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो so, म्यू इन द टर्म्स ऑफ थीटा थीटा के बन आपको म्यू इन द रिलेशन विद थीटा फाइंड आउट करना चलो करते हैं दो पार्ट्स में करेंगे लेट्स से द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम द ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू सी

फर्स्ट पार्ट में तो हाफ पार्ट ऑफ द जर्नी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है अब हम सेकंड पार्ट पे करते हैं सेकंड पार्ट के लिए इनिशियल स्पीड वी नॉट है एंड इज कमिंग डाउन द प्लेन और फाइनल जीरो हो जाती है और डिस्टेंस ट्रेवल सेम एल है सो एक बार फिर से मैं थर्ड इक्वेशन अप्लाई करूंगा पर इस बार एक्सेलरेशन चेंज हो गई है द एक्सेलरेशन वैल्यू कितनी है लिखें डाउन द प्लेन है डाउन द प्लेन हमने ऊपर रिलेशन बनाया था डाउन द प्लेन रिलेशन ठीक है ना दिस इज द डाउन द प्लेन रिलेशन इसको यूज करें जीरो so नीचे, right? so, so, नीचे जब आया तो रेस्ट पर आ गया इनिशियल स्पीड कितनी थी वी नॉट स्क्ट आगे प्लस ऑफ ट्विस्ट ऑफ ए ए कितना है जी इंटू साइन थे माइनस और म्यू थीटा देखना अब हो गया रहा है एंगल क्योंकि कम होगा तभी तो जो थीटा अगर कम रहेगा ना एंगल ऑफ रिपोर्ट से कम आएगा तो फिर थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो फिर ये वाली जो टर्म है ना ये वाली जो टर्म है ये साइन थीटा से ज्यादा आएगी और इस वजह से ए डी अपने आप नेगेटिव हो जाएगा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा कब होगा जब एंगल एंगल ऑफ रिपो से कम होगा तो एडी विल बिहेव एज ए रिटार्डेशन अपने आप So fit equation up a solve this into L So V0 square from there. That should be minus of 2G into L into sine theta minus of mu cos theta, and that becomes equation to be careful with the negative sign. Be careful with the negative sign and then and then you equate them. So as you equate them, we receive twice of GL sine theta. आप गरबा कर देते तो आपका जीवन खराब हो जाता इस में. ये आपका है इसलिए यह माइनस साइन थे प्लस म्यू कॉस्टीडा हो रहा है तो ध्यान रखना अगर आपने गलती करी होती है तो साइन थे आपका आंसर नहीं आता पर अब आएगा म्यू इन टू कॉस्टिटा एंड आई थिंक वी आर गॉट द रिजल्ट दैट इज म्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टीटा इज योअर रिजल्ट होगा दिया एंड सपोज द क्वेश्चन क्वेश्चन बड़े स्मार्ट होते हैं फाइंड अ रिलेशन बिटवीन थीटा एंड वॉट इज फाइव एंगल ऑफ रिपोर्ज तो भी खत्म हो गया क्वेश्चन

क्वेश्चन में क्या स्पेशल है ये क्वेश्चन दो फेजेस में होगा मतलब देखो हमारे पास दो ब्लॉक्स है टू इज एंगल है दैट सपोज बी डायग्राम कितना बढ़िया है ना ऐसा फील हो रहा है कि घर में बना लें मन करा कि घर में बना लें है ना पुली लगाए ये लगाए हॉट व्हील्स की गाड़ी खरीद के ले अपनी मनपसंद वो वाली गाड़ी लगाए इस पर है ना और फिर ब्लॉक टांगे वहां से ये इस तरीके का सवाल है है ना सवाल क्या है ऐसा है कि दोनों मोशन कनेक्टेड हैं लेकिन हमें पता चला कि ये चल नहीं रहा चल नहीं रहा मतलब गाड़ी चल नहीं रही हॉट व्हील चल नहीं रही परेशान गाड़ी चल नहीं रही गाड़ी चल नहीं रही क्योंकि ना स्मॉल एम और कैपिटल एम का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन मास बन रहा है जिसकी वजह से ये चल नहीं रही है चल नहीं रही है और फ्रिक्शन है सर्फेस पे वो म्यू के बराबर है सो वी नीड टू फाइंड अ वैल्यू फॉर लेस ए स्मॉल एम या फिर कैपिटल एम ताकि ये सस्टम रेस्ट पर रहे द सिस्टम डज नॉट मूव ये आपको करना है ठीक है ऐसा होना चाहिए तो हमने कहा यार करते हैं क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन कैसे करें तो रेस्ट पर है सिस्टम मूव नहीं कर रहा और इसको रेस्ट पर रखना है तो एक ही कंडीशन है क्या ज्यादा कंडीशन हो सकती है कैन देयर बी मोर कंडीशन और देयर विल बी अ सिंगल कंडीशन तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर क्या होता अगर म्यू जीरो होता तो फिर क्या होता तो फिर क्या होता है क्वेश्चन बहुत आसान होता कि यहाँ पे जो पुल है उससे ये ब्लॉक कनेक्टेड है ब्लॉक के ऊपर फोर्स होती है एम जी से एनडीटा फ्रिक्शन है नहीं तो यहाँ पे टी होता ये और यहाँ से ये ब्लॉक हैंग कर रहा है जिसका मास मॉलम है मैं। तो उसके ऊपर एम जी नीचे लगती और टेंशन उस पर ऊपर आती ऐसे और टेंशन सेम है रीजन क्योंकि आइडियलिस्टिक कंडीशन है पुलिस जो है वो आइडियल है स्ट्रिंग आइडियल है कभी ब्लॉक अगर मूव नहीं करता इफ द सिस्टम रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट तो फिर वर्टिकली इसकी फ्री बॉडी से टी की वैल्यू स्मॉल एम के बराबर आती और अलोंग द प्लेन टी एम जी साइन टेडा को कैपिटल एम जी साइन टेडा को बैलेंस कर लेता तभी ये स्लाइड नहीं करता सो कैपिटल टी कितना होता है एम जी साइन टेडा कैपिटल एम जी साइन टेडा दोनों को इक्विडी करके स्मॉल एम जी वो डेपिन कैपिटल एम जी साइन टेडा और जी कैंसिल हो जाता है और रिलेशन आ जाता है दैट स्मॉल इज इक्वल टू थीटा और इसकी एक ही वैल्यू होती मतलब अगर कैपिटल एम गिवन होता थीटा आपको गिवन है तो इसका मतलब आपको एक ही वैल्यू मिलती है स्मॉल एम की सिंगल वैल्यू ऑफ स्मॉल एम टू कीप द की सिंगल वैल्यू ऑफ स्मॉल टू कीप द सिस्टम एट रेस्ट एक वैल्यू होती एक वैल्यू और ये क्वेश्चन आराम से आप कैलकुलेट कर लेते कैपिटल हैं गिवन होता स्मॉल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं uh, कोई वैल्यू लिख के देखें कैपिटल की कितनी लेना चाहोगे फाइव के जी लिखना फाइव के सो फिर ये फाइव और थीटा थर्टी सेवन लेना तो ए की वैल्यू आती है डेट वुड एविन फाइव साइन थर्टी सेवन साइन थर्टी सेवन कितना होता है थ्री बाय फाइव सो थ्री के जी एक वैल्यू आती है तीन किलो ताकि वो रेस्ट पे रहता इस सिस्टम रेस्ट पे रहता है अगर आप तीन के से ज्यादा वैल्यू लेते हैं तीन के से ज्यादा वैल्यू तो ये सिस्टम नीचे को स्लाइड करता ग्रेटर देन थ्री के जी द स्मॉल एम ब्लॉक विल मूव डाउन और कैपिटल एम जो है ऊपर स्लाइड करता कराता और अगर कहीं आप वैल्यू स्मॉल एम की दो किलो रख लेते तो फिर वेट uh, कम हो जाता तो स्मॉल एम ऊपर मूव करता और जो हॉट व्हील है वो डाउन द प्लेन स्लाइड करती तो एक क्रिटिकल वैल्यू होती है तीन के पे जब वो रेस्ट पे रहता ये पूरा सिस्टम लेकिन अब ये मामला थोड़ा सा बदल जाएगा अगर फ्रिक्शन आ जाती है तो इस मामले में थोड़ी सी चेंज जा आ जा जाएगी थोड़ी जगह चाहिए मुझे तो थोड़ी जगह बना लो और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है ये बनने वाले हैं इसके अंदर अब ये दो केस बनेंगे सर ये दो केस का मतलब क्या है एक्चुअली आई एम इनिव अबाउट द डायरेक्शन आई एम इनडिस क्या हो रहा है कि यह एंगल तो थीटा है और जो ये ब्लॉक है इस पर जो बाकी फोर्सेस है वो बना देता हूँ डेट इज़ एम जी ये बाकी फोर्स मैंने बना दी है और टेंशन ऊपर लग रही है कोई डाउट नहीं है मुझे इसमें और यहाँ पे ये स्मॉल uh, एम है उसका वेट नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रही है इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कोई दुविधा नहीं है कोई डाउट नहीं है प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो ये सरफेस है यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगी क्योंकि ब्लॉक मूव तो कर दिया

इसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी किसकी कैपिटल एम की टेंडेंसी होगी ऊपर स्लाइड करने की क्योंकि तो फिर ये वाला नीचे आएगा तो ये वाला फिर ऊपर जाएगा ऐसा ही होगा ना टेंडेंसी टेंडेंसी हिला नहीं है टेंडेंसी और अगर टेंडेंसी ऊपर हुई इफ द टेंडेंसी ऑफ द मोशन इफ द टेंडेंसी ऑफ द मोशन इज अपवर्ड जिसको आप आसान लैंग्वेज में बोल सकते हैं इंपेंडिंग मोशन अपवर्ड्स तो फिर फ्रिक्शन और टेंडेंसी को देख के नीचे की तरफ लगेगी दैट डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन और कौन से लिमिटिंग क्योंकि टेंडेंसी ऑफ द मोशन अपवर्ड का मतलब क्या हो रहा है कि बस कगार पे देख रहे हैं मैक्सिमम केस देख रहे हैं मैक्सिमम केस मतलब हम इसको लिखेंगे इम्पेंडिंग मोशन अपवर्ड्स कहां पे ऊपर की तरफ दैट इज अपवर्ड्स ये ऊपर जाना चाहता है ये ऊपर तब जाएगा जब स्मॉल एम की वैल्यू आप निकालेंगे इतनी होनी चाहिए कि ऊपर जाए है ना तो फाइंड आउट कर लो अब अब सवाल हमारा बन जाएगा अब हमने क्या करा इसको लिखा यहाँ से है तो अभी हिला तो है नहीं इमेंडिंग मोशन है तो टी कितना हो स्मॉल एम के बराबर हो गया वेरी गुड और इधर से इधर से टी जो है वो इन दोनों फोर्सेस के बराबर हो गया क्योंकि दोनों नीचे लग रही हैं दैट इज एम जी साइन थे प्लस ऑफ एफ ये दोनों नीचे लग रही थी तो ये इन दोनों के बराबर आ गया अब क्या करेंगे हम

इसमें जी कैंसिल है एंड नेगेट वैल्यू फॉर एम दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम इन साइन थेटा प्लस म्यू कॉस थेटा एंड एंड दिस टू बी द मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि अगर इससे ज्यादा मास अगर हमने टांगा इधर तो ये सिस्टम डेफिनेटली जो इंक्लाइन पे ऊपर मूव कर जाएगा स्लाइड कर जाएगा क्योंकि ये ज्यादा हैवी हो जाएगा ये वाला ब्लॉक तो ये मैक्सिमम वैल्यू है उसकी मैक्सिमम करेक्ट यस

कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि टेंडेंसी ऑफ द मोशन नीचे जाने की हो मूव तो नहीं कर रहा हो पर टेंडेंसी नीचे जाने। मैंने कहा हां हो सकता है अगर हो सकता है कि जो तो स्मॉल है उसका मास बेहद कम हो अगर उसका मास कम हो तो हो सकता है कि ये वाला मास नीचे जाने की टेंडेंसी रखता हो क्योंकि स्मॉल है तो अब जो टेंडेंसी ऑफ द मोशन है वो कहां पर है डाउनवर्ड है हम उसको क्या लिखेंगे द इम्पेंडिंग मोशन इज डाउनवर्ड ये ब्लॉक नीचे आना चाहता है क्योंकि शायद इसका मास स्मॉल ज्यादा है।, है आया नहीं है, है। फ्रिक्शन का लग रही है इस बार, बार फ्रिक्शन ने एमजीडा के साथ छोड़ दिया पिछली बार फ्रिक्शन कहाँ लग रही थी एमजीडा के डायरेक्शन में लग रही थी लेकिन इस बार फ्रिक्शन ने उसका साथ छोड़ दिया और इस बार फ्रिक्शन कहाँ लग रही है ऊपर लग रही है क्यों क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा कौन सी फ्रिक्शन स्टार्टिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा लगती है टेंडेंसी ऑफ़ डाउनवर्ड है क्योंकि की शायद इस से ने साथ छोड़ा और ऊपर लग गई तो फ्रिक्शन का एक नया नाम आपके सामने लेकर आता हूं रॉबिन वीक का सहारा लेती है किसका वीक का सहारा लेती है पहले क्या हो रहा था एमजी थीटा कम आ रही थी क्योंकि

क के साथ में वीक कौन थी टेंशन थी इस बार क्योंकि मास कैपिटल ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ने फिर से क्या करा इस सिस्टम को स्टेशनरी कर दिया ऊपर लग के डायरेक्शन चेंज हो गया सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स यू रिमेंबर दैट सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स यू रिमेंबर दैट तो फिर इस बार कहानी में ट्विस्ट आंसर में ट्विस्ट आएगा कैसे आएगा देखें यहां पे तो टी की वैल्यू स्मॉल एम जी के बराबर ही है यहां पे कुछ मामला बदला नहीं है सेम है पर यहां पे मामला बदल चुका है मेरे दोस्त

माइनसू कैपिटल एम जी कॉस्टीडा एन की वैल्यू नहीं बदली है एन की वैल्यू अभी भी सेम है दैट इज इक्वल टू कैपिटल अभी भी सेम आ रही है कैपिटल एम कैंसिल नहीं नहीं कैपिटल एम थोड़ी कैंसिल होगा उसी की तो वैल्यू के ऊपर सवाल है हमारा कैंसिल क्या हो रहा है फिर स्मॉल जी कैंसल्ड है कैंसल्ड है और स्मॉल एम की वैल्यू मिल जाती है दैट इज कैपिटल एम कॉमन साइन थीडा माइनस म्यू कॉस्टिडा इस बार ये स्मॉल एम की मिनिमम वैल्यू होगी क्या होगी मिनिमम वैल्यू होगी ये मिनिमम वैल्यू है अगर वैल्यू इससे भी घट हुई इससे भी घट हुई तो फिर कैपिटल एम उसको ले जाएगा नीचे उसको ले जाएगा नीचे सो मामला क्या हो रहा है मामला क्या हो रहा है इस बार स्मॉल एम की एक रेंज आ रही है इस रेंज ऑफ द वैल्यूज पे सिस्टम स्टेशनरी रहेगा ये सारा कार्यक्रम फिक्शन का है बिकॉज़ द फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स तो अगर हमसे अब पूछा जाता है हमसे पूछा जाता है कि स्मॉल m की वैल्यू कितनी बोलेंगे इस रेंज में आएगी बिटवीन ए मिनिमम एंड ए मैक्सिमम इसका मतलब स्मॉल m जो है उसको आप लिख सकते हो एज ग्रेटर देन इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ रही है m into sin थीटा μ cos थीटा एंड

फाइव 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 कैंसिल है so, ये थ्री माइनस फोर इंटू पॉइंट फाइव कितना टू सो वन के जी आ गया कितना वन के जी इसका मतलब एक किलो से पांच किलो के बीच में अगर वैल्यू है तो फिर ये सिस्टम क्या रहेगा स्टेशनरी रहेगा क्या रहेगा स्टेशनरी रहेगा और तीन किलो जो है ना तीन किलो वो मजेदार है वो मजेदार है कहानी को पूरा प्रस्तुत करता हूं आपके सामने आपके सामने दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे एम की वैल्यू वन के जी से ज्यादा और थ्री के जी से कम अगर है तो अगर ऐसा है अगर ऐसा है मतलब एम कम है अगर एम कम है अगर एम कम, कम है सो टेंडेंसी ऑफ द मोशन नीचे जाने की है क्योंकि कैपिटल एम ज्यादा होगा की बात होगी ना तो कैपिटल एम कितना है वैसे पांच किलो के आसपास है तो कैपिटल एम उसको नीचे लेके जाना चाहेगा लेकिन हमने स्मॉल इटना लगा रखा है वन से थ्री के बीच में है ताकि फ्रिक्शन कहां लग रही है ऊपर लग रही है द फ्रिक्शन इज एक्टिंग अप द प्लेन सो एफ एल इज एक्टिंग वेयर अप द प्लेन लग रही है अगर एम की वैल्यू एग्जैक्टली तीन के जी होगी तो फ्रिक्शन मेरे दोस्त फ्रिक्शन मेरे दोस्त क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी इट विल बिकम जीरो लगेगी नहीं जरूरत ही नहीं है देखो इस केस में 3 kg है तो फ्रिक्शन है ही नहीं हालांकि फ्रिक्शन थी पर लगी नहीं जरूरत नहीं पड़ी क्यों नहीं जरूरत पड़ी क्योंकि जो टी होगी ना वो एम जी थीटा के बराबर होगी तो फ्रिक्शन की लोड़ ही नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन तो तब लगती है जब जरूरत हो स्लाइडिंग हो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग हो है ही नहीं क्योंकि टी एमजी थीटा के बराबर है ना ऊपर स्लाइड करने की टेंडेंसी ना नीचे स्लाइड करने की टेंडेंसी तो फ्रिक्शन लगेगी ही नहीं और अगर एम की वैल्यू तीन के से ज्यादा है लेकिन पांच किलो से कम है तो फिर क्या हो रहा है अब स्मॉल एम की वैल्यू क्या हो रही है ज्यादा हो रही है क्या हो रही है ज्यादा हो रही है तो टेंडेंसी ऑफ द मोशन इस तरफ होने वाला है इसलिए जो टेंडेंसी ऑफ द मोशन अलोंग द प्लेन है वो अपवर्ड है तो फ्रिक्शन ने अपना डायरेक्शन चेंज करा और फ्रिक्शन कहां लग रही है डाउन द प्लेन सो नाउ द फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट डाउन द प्लेन सो दिस इज हाउ द फ्रिक्शन चेंजेस द डायरेक्शन हैंस इट इज नोन एज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स वैल्यू भी बदल सकती है वैल्यू भी बदल सकती है पहले उसकी ये वैल्यू एफ एल मैक्सिमम आएगी कब आएगी जब मास कितना होगा जब मास कितना होगा वन के जी होगा फिर उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती जाएगी और जीरो हो जाएगी तो स्मॉलम तीन के जी हो जाएगा फिर वैल्यू बढ़ेगी ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मास तीन के जी से पढ़ना शुरू होगा जब फाइव के जी हो जाएगी तो फिर एफ एल फिर से मैक्सिम वैल्यू पर आ जाएगी और डायरेक्शन उसका डिफरेंट हो जाए फॉर दिस रेंज ऑफ द मास दिस्टम रिमेन स्टेशनरी और अगर कहीं मास पांच के जी से ज्यादा हो गया स्मॉल एम का तो सिस्टम एक्सेलेट करेगा और कहीं मास वन के जी से कम हो गया तो भी सिस्टम एक्सेलेट करेगा एक्सेलिरेट करेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में स्मॉल एम की वैल्यू अगर कम हो जाएगी अगर कम हो जाएगी तो फिर यह नीचे को नहीं नहीं ये ऊपर को मूव करेगा क्योंकि स्मॉल एम कम होगा एम जी कम होगी और ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो एक्चुअली मोशन नीचे हो जाएगा और स्मॉल एम की वैल्यू अगर कहीं बहुत ज्यादा हो गई पांच किलो से एक कर गई तो फिर ये वाली कंडीशन हो जाएगी जिसके अंदर ये अब एक्चुअली नीचे जाएगा क्योंकि स्मॉल एम ज्यादा होगा एम ज्यादा हो जाएगी और ये एक्चुअली ऊपर को मूव करेगा तो क्वेश्चन ने पूछा था कि रेंज बताओ जिसमें ये रेस्ट पर है तो हमने रेंज बता दिए वन के से फाइव के के बीच में सो so, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था टाइम लगा क्वेश्चन को करने में लेकिन हमें अल्टीमेटली पता चला कि इम्पेंडिंग मोशन के क्वेश्चन को कैसे डील इन करते हैं राइट माई फ्रेंड्स नाउ गेट अ क्वेश्चन वेर इज फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड क्या बोल रहे मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अप द प्लेन द मिनिमम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अप प्लेन तो क्या होगा देखो एमजी साइन डेटा नीचे लग रही है पिछले बारे क्वेश्चन के साथ प्रेरित है यह क्वेश्चन ऑलमोस्ट एमजी साइनडेटा कहा लग रही है नीचे लग रही है तो अगर ये फ्रिक्शन प्लेन होता दोबारा से अगर ये फ्रिक्शन प्लेन होता तो आप इतनी फोर्स ऊपर लगा दो एम जी साइन उससे हल्की सी ज्यादा तो ये ऊपर मूव करने लगे क्रिटिकल कंडीशन है ना तो ऊपर मूव करने लगे लेकिन क्या है फ्रिक्शन भी है और फ्रिक्शन को पता चल गया दबे पैर क्या आपका इरादा है इसको ऊपर लेके जाने का सो द टेंडेंसी ऑफ द मोशन इज अपवर्ड आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं द टेंडेंसी ऑफ द मोशन इज अपवर्ड और ये बात अगर उसको पता चल गई फ्रिक्शन को तो वह तुरंत क्या करेगी उस रिलेटिव मोशन को जो फ्यूचर में होने वाला है उसको अपोज करेगी और कहाँ लग जाएगी नीचे लग जाएगी टेंडेंसी ऑफ द मोशन के विरुद्ध नीचे लग गई द फ्रिक्शन फोर्स नेवर अपोज फोर्स इट अपोज़ेस द टेंडेंसी ऑफ द मोशन और एक्चुअल रिलेटिव मोशन या एक्चुअल रिलेटिव मोशन तो है नहीं टेंडेंसी ऑफ द मोशन है तो कहां लगी फ्रिक्शन नीचे लग गे. सो so क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज अ मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड मिनिमम कम से कम कितनी फोर्स चाहिए देखो फ्रिक्शन पूरी कोशिश करेगी कि उसको रोके पूरी कोशिश का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई करेगी लेकिन आप तो लगे हुए हैं कि सर हम तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मिनिमम कितनी फोर्स आप ऊपर लगाएंगे ताकि जस्ट वो एक्सेलरेट करे जस्ट इम्पेंडिंग स्टेट पर आए मतलब उस समय पे एक्सेलरेशन शून्य होगी जोड़ी ज्यादा फोर्स लगाएंगे एक्सेलेशन आ जाएगी सो दैट एफ शुड बी इक्वल टू हाउ मच That f should be equal to sir as uh, mg sine theta and plus uh, limiting friction. Or oh, limiting friction is mu into n. So that's mg sine theta plus mu into n. N, barapere, sir? n is equal to mg cos theta. n is mg cos theta. So f is equal to mg into sine theta plus mu cos theta. That's the minimum force which is required. टू मूव दिस अप द्लेन डेफिनेट सी बात है अगर एफ की वैल्यू एफ मिनिमम से ज्यादा होगी सो द्लॉक अपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो ये मिनिमम पूछिए मिनिम निकाल दिया राइट सो अब यह फोर्स लग गई ऊपर अब यह ब्लॉक ऊपर जाएगा सो वॉट बी दर्क परफॉर्म इन दिस वॉट इज सपोज वर्क परफॉर्म ये एनिमेशन मैंने लगाया हुआ है यहां पर ये एनिमेशन इज अबाउट दिस लाइक द ब्लॉक विच इज सपोज टू बी मूव ऑन द प्लेन वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल वाला दैट्स अ फोर्स इनटू डिस्टेंस दैट इज अ फोर्स इनटू डिस्टेंस आप इस ब्लॉक so, के ऊपर फोर्स लगाएंगे कहाँ पे अलोंग द प्लेन अलोंग द प्लेन सो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के लैंग्वेज में गिवन होता है अलॉन्ग द प्लेन फोर्स लगाई तो ये अलोंग द प्लेन ऊपर की तरफ क्या करेगा मूव करेगा सो द वर्क विल बी सिम्पल इक्वल टू दैट पर्टिकुलर फोर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर डिसप्लेसमेंट अलॉन्ग द प्लेन फोर्स भी कहाँ पे अलोंग द प्लेन और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पर होगी दैट इ भी अलॉन्ग द्लेन जो सूट के को अगर आपको इस ट्रक में चढ़ाना है तो क्या करेंगे आप सीधा उठा के रखेंगे उससे बेहतर है क्या करें रैम्प बना दें क्या करें एक रैम्प बना दें और उस रैम्प पे ऐसे चढ़ा दें ईजी होता है ना गाड़ी को पे चढ़ाना और घर में पार्क कर देना सो दैट इज वॉट वी डू ऐसे लेके जाएंगे थोड़ी मुश्किल लगेगी जैसे एनिमेशन में दिख रहा है तो आप क्या करेंगे एक रैम्प लेकर आएंगे और फिर मजे से उसको स्लाइड करके ऊपर चढ़ा देंगे राइट right, सो so, मेरा क्वेश्चन साथ में ये गिवन है द क्वेश्चन इज आस्किंग मी की वर्क परफॉर्म टू मूव अप विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मतलब इसको मैंने क्या करना है ऊपर की तरफ लेके जाना है तो मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी है ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ ताकि ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चलता रहे कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी ताही होगी ना ता ही होगी ना जब नेट फोर्स जीरो तो होगी इसका मतलब नीचे जितनी फोर्स लग रही है एक तो फ्रिक्शन लगेगी नीचे को भी मोशन ऊपर है और एम जी साइन डेटा नीचे लगेगी तो मुझे कम से कम उतनी फोर्स ऊपर लगानी पड़ेगी ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए ताकि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो वो फोर्स कितनी है वो फोर्स मैं निकाल चुका हूं वो इसके बराबर है अब ये फोर्स मैं मैंने कहा लगाई मैंने ये फोर्स ऊपर की तरफ लगाई आई अप्लाइड दिस पर्टिकुलर फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन और मैंने इसको ऊपर मूव कर लिया वो डिस्प्लेसमेंट मुझे कितनी गिवन है एल गिवन है सो द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क इज टू सिंपल फॉर्मिंग दैट शुड भी इक्वल टू एफ इंटू एल वैसे मुझे फॉर्मूला पता है वर्क का दैट इज एफ डॉट एस इसका मतलब एफ एस कॉस्थीडा होता है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है और एफ भी ऊपर है तो एंगल कितना आ रहा है जीरो आ रहा है सो द वर्क डन इज सिंपली इक्वल टू एफ इन टू एल सो एंड वर्क डन इज एफ में निकाल चुका था सो दैट इज एम जी थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस्थीडा है ना एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ This by the is to be the work. So, है इसके साथ में जो कि क्वेश्चन मुझे टेस्ट करना चाह रहा है, कह रहा है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड ताकि जो ब्लॉक है वो स्लाइड ना करें स्लाइड ना कर मतलब स्लाइड तो नीचे करता है अच्छा सो द क्वेश्चन लाइक दस ये कह रहा है कि ब्लॉक मतलब स्लाइड कर रहा था नीचे इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर एमजी सैनटीडा नीचे लग रही थी और ब्लॉक स्लाइड कर रहा था इसका मतलब थीटा जो होगा वो फाइव से ज्यादा होगा तभी तो स्लाइड कर रहा होगा ना नीचे तो इसका मतलब फ्रिक्शन पहले से कोशिश कर रही होगी पूरी कोशिश करी होगी उसको रोकने की पर असफल होगी असफल होगी क्योंकि ठीटा फाइव से ज्यादा है तो एमजी साइन थीटा उसको नीचे लेकर आ रहा होगा तो असफल होगी पर ऊपर रही होगी पूरी उसने कोशिश कर ली होगी पर ऐसा वो रुक नहीं पा रही तो हमने क्या करा नीचे से एक फोर्स अप्लाई करी नीचे से एक फोर्स अप्लाई करी इसके ऊपर अलोंग द प्लेन ऊपर ताकि ये ब्लॉक रुक जाए हमने क्या करा फ्रिक्शन को सहारा दिया इसको रोकने के लिए दैट्स डैट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अ ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग रोकने के लिए कि नीचे स्लाइड ना करे स्लाइड क्यों कर रहा था क्योंकि एंगल एंगल ऑफ रिपोर्ट से जा रहा था तो कितनी कम से कम फोर्स लगानी पड़ेगी इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन की तरफ ऊपर की तरफ है कितनी कम से कम फोर्स लगानी पड़ेगी कि यह ब्लॉक रुक जाए तो फ्रिक्शन तो पूरी ताकत लगा चुकी है अपनी वो तो अपनी हद लगा चुकी है पर फिर भी ये ब्लॉक नीचे आ रहा था हमने फोर्स लगा के रोक दिया ये देखो ये नीचे आ रहा है ये नीचे आ रहा है तो हम क्या करेंगे हम ऐसे फोर्स लगाएंगे ना ऊपर कि रुक जाए तो नहीं तो नीचे आ जाता ये तो नीचे आ जाता हमने फोर्स लगा के रोक दिया तो कम से कम कितनी फोर्स लगे। ज्यादा लगाएंगे तो ऊपर जाने लगेगा ना कम से कम इतनी की वो वही रुक जाए कम से कम सो दिस एफ दिस एफ विच इज अप्लाइड शुड बी एम जी साइन थीटा माइनस एफ एल आप पूरी क्वेश्चन लिख के फिर कलाकारी दिखा लो ऊपर की तरफ फोर्स कितनी है एक तो एफ है तो आपने लगाई है एक फ्रिक्शन लग रही थी एफ प्लस एफ एल और ये अब जा तो नहीं रहा ना अभी कहीं अभी तो प्रिवेंटेड है ना कहीं जा नहीं रहा है प्रिवेंटेड है so F F कितना है force, so F कितना है कितना कितना दैट 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 इज 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 इक्वल इक्वल टू टू डाउनवर्ड फोर्स थीटा थीटा ये आपकी मिनिमम फोर्स है ताकि वो नीचे स्लाइड ना करें ये फोर्स ये पहले वाली जो फोर्स निकाली उससे कम आ रही है देखो ऊपर लेके जाना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि एम जी साइन थेटा और फ्रिक्शन दोनों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा नीचे रोकना है नीचे रोकना है नीचे जाने से रोकना है तो हम फ्रिक्शन के साथ में काम कर रहे हैं क्योंकि फ्रिक्शन भी ऊपर लग रही है और हमने जो फोर्स लगाई है वो भी ऊपर लग रही है हम हम सिर्फ एम जी साइन थेटा के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो इस बार हमें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी फोर्स कम लगानी पड़ेगी क्योंकि फ्रिक्शन ऑलरेडी हमारे साथ है फ्रिक्शन हमारे डायरेक्शन में तो हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी सो so, बाकी एफ एल की वैल्यू आपको पता है म्यू एन टू एन से आ जाएगी दैट एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एन टू एन और एन कितना है दैट इज इक्वल टू एम जी कॉस्ट थिएटा That is mg sin theta minus mu mg cos theta. That's the value for the minimum force which is required to keep the block from sliding down. That's it. That's so simply done. That's mg sin theta minus mu mg cos theta. Right. So अब एक question में आपको दिखाता हूँ जो कि इन दोनों बातों को जो मैंने अभी अभी दोनों बातें करेंगे इनको साथ में use करता है थोड़ी जगह बनाऊँ वो थोड़ी जगह बनाता हूँ और एक question लिखता हूँ और फिर देखते हैं कि जो दोनों नॉलेज हमने यूज करी क्या है दोनों बातें यूज हो पाएंगी द क्वेश्चन गोज लाइक दिस क्वेश्चन कहता है इफ द फोर्स रिक्वायर्ड इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड द ब्लॉक जस्ट स्लाइड द ब्लॉक अप द प्लेन इज ट्वाइस इज ट्वाइस द फोर्स रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड टू जस्ट टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग नाउ टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्टडी नाउ इट्स अ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन क्वेश्चन में दो सवाल है दो आइडियाज हैं एक सवाल में दो आइडियाज हैं क्वेश्चन पूछ के आ रहा है फाइंड रिटवीन द को एफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एंड थीटर इसके बीच में रिलेशन निकालना है रीड बिटवीन द लाइन रीड बिटवीन द लाइन इज सेज फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड ब्लॉक ऑफ द प्लेन तो ये ये वाला केस है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक ऑफ द प्लेन वो फोर्स कितनी है ये वाली फोर्स है ये वो मिनिमम फोर्स है उसको मैं रीड बिटवीन द लाइन इट रिक्वायड टू जस्ट प्रिवेंट इलाइडिंग डाउन सो जस्ट प्रिवेंट इड फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन दैट फोर्स इज सपोज टू बी दिस मच टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन दैट इज एफ टू सो क्वेश्चन ये कह रहा है द क्वेश्चन इज टेलिंग दैट वैल्यू फॉर एफ वन इज ट्वाइस ऑफ एफ टू देखो यह वैल्यू वैसे ही माइनस से आ रही थी तो वैल्यू वैसे ही कम थी यह वैल्यू एफ वन से कम थी एफ वन कैसे आ रही थी प्लस करके वो रीजन हम ऑलरेडी सुन चुके हैं आप दोबारा से रिवेंट करके भी सुन सकते हैं सो so, अब एफ वन कम था एफ वन ज्यादा था एफ टू से तो दोनों में रिलेशन क्वेश्चन है, है और अगर ऐसा है तो फिर आपको मीओ थीटा के बीच में रिलेशन निकालना बहुत आसान है अब एफ वन की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं एम जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस्थीडा ये एफ वन की वैल्यू है इट ट्वाइस ऑफ एफ टू दैट इज एम जी यहाँ से दैट इज uh, ये पूरी वैल्यू दैट इज एम जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस्थीडा बस इसको सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा एंड आई विल गेट गेटिंग द रिजल्ट एम जी एम जी कैंसिल है सो जस्ट रिड्यूस इट दैट इज साइन थीटा प्लस म्यू कॉस्थेडा हो जाएगा और mu theta वाली add up हो जाएगी यहाँ से टू का फैक्टर है यहाँ से वन का फैक्टर है एट बिकम थ्री म्यू कॉस्टेडा तो साइन थे कितना हो जाएगा आ जाएगा, so जाएगा या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं म्यूम्स क्लियर है अंडरस्टूड है और अगर आपको एंगल ऑफ रिपोज भी बीच में कहीं आ जाता है तो भी परेशान मत होना क्योंकि म्यू को कभी भी हम टैन फाइव लिख सकते हैं सो देन दैट इज टैन ऑफ फाइव एज इक्वल टू वन अपॉइंट थ्री टैन रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ इंक्लाइन इन दिस कंडीशन सो वी लर्न द लॉर्ड ऑफ थिंग्स इन दूडेज लेक्चर अ लॉर्ड ऑफ थिंग्स इन दूडेज लेक्चर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन ज़्यादातर हमने आर्टिकल क्या करा द मोशन ऑफ द ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ये सारी कहानी शुरू हुई थी विद एन एंगल जिसको हमने बोला एंगल ऑफ रिपोर्स और उससे पहले हमने कहानी शुरू करी थी विद द एंगल ऑफ फ्रिक्शन धीरे धीरे लेक्चर में हमने इस बात को प्रूफ करा कि दोनों एंगल सेम होते हैं फाइ एन लैमडा सेम दोनों की डेफिनेशन हमने बनाई है ना और बताया कि ये दोनों हरकतें हमने क्यों करी क्योंकि हमें फ्रिक्शन कोफिशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना था इसलिए हमने ये दोनों हरकतें करी फिर हमने एंगल ऑफ़ फ्रिक्शन बनाया जो कि हॉरिजॉन्टल पे था फिर हमने एंगल ऑफ रिपोज बनाया जो कि इंक्लाइन प्लेन पे था और दोनों टैन इनवर्स ऑफ यू के बराबर आए राइट फिर हमने सैंड प्रॉब्लम करी जब हमने पता चला कि इस एंगल ऑफ रिपोज को बेसिकली यूज़ करना कैसे है कंडीशन देखे हमने कि कब स्लाइड करेगा कब नहीं करेगा नेचर ऑफ फ्रिक्शन कैसे होगी फिर हमने वो बायोलॉजी वाला क्वेश्चन करा इंसेक्ट वाला एंड देन वी टॉक्ड अबाउट अ चेन प्रॉब्लम वेरी एक्सेलेंट प्रॉब्लम देन वी चेकड अपॉन कि रिएक्शन फोर्स कैसे लगती है और रिएक्शन फोर्स का बिहेवियर देखा कि कब वो एम के बराबर होगी कब रिएक्शन बॉडी का लगेगी ये भूले नहीं हम कि रिएक्शन नॉर्मल और, और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट होती उस पेट से क्वेश्चन पे हमने ध्यान दिया एंड देन वी टॉक अबाउट एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन एंड मोशन ऑफ द ब्लॉक अप द प्लेन फिर उसके अंदर कंडीशन देखी अलग अलग हमने सो वी आर गोइंग टू टेक दस कंडीशन फर्दर आज का लेक्चर बहुत ही इंटूटिव था बहुत ही एप्लीकेटिव भी था तो आप इस लेक्चर को दोबारा देखें दोबारा देखें इन द दे सेंस जहां जहां पे आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा आ, मिस हो गया मेरा तो आप उसको प्ले पॉज करके देखें या फिर आप दोबारा से उस क्वेश्चन को देखें रिवाइंड करके नोट्स जरूर बनाएं बैठ के प्रॉपरली एक क्वेश्चन को जो मैंने कराया उसको लिख के देखें खुद एक्सेलेशन डाउन डप लेने प्लस माइनस का मुद्दा होता है उस प्लस माइनस में कहीं गलती ना कर दिया ध्यान से समझें जो बातें मैंने बार बार बोली लेक्चर में उसको ध्यान से सुने कि फ्रिक्शन फोर्स को अपोज नहीं करती है मोशन को अपोज करती है बहुत आसान होता है मिस कॉन्सेप्ट को हैंडल करना और उससे भी आसान होता है सही बातों को सही तरीके से सुन के अब्जॉर्व करना राइट तो उसके लिए आपको लेक्चर को थोड़ा तो ध्यान से सुनना होता है होपफुली आपने सुना होगा और प्रीवियस लेक्चर भी आपने देखा होगा टू आवर्स का ये वाला लेक्चर भी आपने देखा होगा मोर सच लेक्चर्स आर गोइंग टू कम अक्रॉसर वे सो आज के लिए साइन आउट करता हूँ हैव नाइस डे ऑल ऑफ यू